चलिए वी स्टार्ट विथ अवर डे टू सेकेंड सेशन डे वन हम लोग खत्म कर चुके हैं डे टू का अभी आखिरी सेशन हम लोग लास्ट सेशन है आज का अभी तक मैं आपको याद दिला दू हम लोग क्या क्या कर चुके हैं हम लोग लो कोरिट प्रोसेस देख चुके हैं दो सीरीज देख चुके हैं तीन सीरीज देख चुके हैं पांच सौ सीरीज देख चुके हैं छे सौ सीरीज देख चुके हैं ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं वी हैव सीन दिस और हमको फटाफट चीजों को देखना है क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को कवर करने ठीक है आई होप आप लोगों ने लेटेस्ट जो वर्जन है क्लास के पीडीएफ का वो भी आपने डाउनलोड कर लिया और जो एक्स्ट्रा नोट्स है वो एक्स्ट्रा नोट्स भी आपने डाउनलोड कर लिए ठीक है कारो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले कारो की एप्लीकेबिलिटी। कारो की एप्लीकेबिलिटी बहुत फेमस है उसके बारे में चर्चा करते हैं कारो किसको एप्लीकेबल है कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर कंपनी के ऑडिटर्स को रिपोर्टिंग करते वक्त जिस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है उसको हम लोग कारो बोलते हैं ये कारो ऑर्डर किसको एप्लीकेबल है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज सभी कंपनीज को एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज फॉरेन कंपनीज को भी मतलब सबको लग जाता है ठीक है जितने भी कंपनी के ऑडिटर्स हैं इन सबको अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा एग्जेम्शन है है आईबी कॉप्स आईबी कॉप्स मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के कॉप्स इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो कॉप्स ठीक है, है।, है, है? उनको है, ऐसा शॉर्टकट है आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर्स को ऑलरेडी इतनी बातें लिखनी पड़ती है एज पर आई उनको एग्जेम किया इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर्स को इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर्स को इट इज नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं है फिर बी सेंड फॉर बैंक इंश्योरेंस कंपनी दोनों जनरल इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस और आपके लाइफ इंश्योरेंस किसी को भी किसी के भी ऑडिटर को एप्लीकेबल नहीं है बी सेंड फॉर बैंकिंग कंपनी इंडिया की बैंक्स फॉरेन बैंक्स नेशनल बैंक banks, bank, किसी भी तरह के बैंक के ऑडिटर्स को कारो एप्लीकेबल नहीं है ठीक है देन C stand for ठीक है चैरिटी पर्पस चैरिटी पर्पस कंपनी कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन एट चैरिटी पर्पस जो कंपनी है चैरिटी पर्पस कंपनी है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन एट उनके ऑडिटर्स को भी कारो ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है ठीक है ए स्टैंड फॉर आई बी कॉप्स देन ओ स्ट फॉर वन पर्सन कंपनी के जो ऑडिटर्स है उनके ऑडिटर्स को भी कारो ऑर्डर फॉलो नहीं करना देन पी स्टैंड फॉर प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ठीक है प्राइवेट कंपनी अगर कुछ शर्तें फॉलो करेगी प्राइवेट कंपनी अगर कुछ शर्तें फॉलो करेगी अगर कुछ शर्तें फॉलो करेंगे, शर्ते करेंगे तो प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर को भी अगर प्राइवेट कंपनी फुलफिल सर्टन कंडीशंस चार कंडीशंस है तो उनके ऑडिटर को भी कारो ऑर्डर नहीं लगेगा कारो ऑर्डर विल नॉट बी एप्लीकेबल कौन सी ये चार शर्तें ठीक है सिंपल सिंपल सी चार शर्तें प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो होल्डिंग कंपनी है और नीचे जो सब्सिडरी कंपनी अगर है तो इट शुड नॉट बी ए पब्लिक कंपनी होल्डिंग में पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए सब्सिडरी में पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए सिंपल है इसको ऐसे भी बोलते ठीक है ठीके? इसको ऐसे भी बोला जा सकता है ट बी अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी यू शुड नॉट बी होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी बात एक ही है लेकिन पहला चलने का तरीका थोड़ा बेटर है ऊपर होल्डिंग में पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए नीचे सब्सिडरी में पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए पहली शर्त दूसरा पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व जो है दोनों मिलाकर ठीक है दोनों मिलाकर एक करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए करेक्ट एक करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए ये दोनों चीजें एज ऑन बैलेंस शीट डेट ऊपर नीचे पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए और शेयर कैपिटल ठीक है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एक करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए फिर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द ईयर साल भर में कभी भी ये जो बोरइंग्स है साल भर में फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये एक करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए और आखिरी में टोटल रेवेन्यू मतलब सभी रेवेन्यूज अदर ठीक है टोटल रेवेन्यू शुड नॉट क्रॉस टेन क्रोस चारों क्यूमुलेटिव कंडीशन है ऊपर नीचे पब्लिक कंपनी नहीं पेडअप कैपिटल और रिजर्व एक करोड़ के ऊपर नहीं बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक करोड़ के ऊपर नहीं टोटल रेवेन्यू दस करोड़ के ऊपर नहीं चारों क्यूमुलेटिव कंडीशन है टिव कंडीशन है ये चारों मिला के, तब जाके प्राइवेट कंपनी को एग्जेपन मिलेगा ठीक है एंड देन एस देख फॉर स्मॉल कंपनी अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आता है तो उसको भी एग्जेपन मिलेगा तो बहुत सिंपल बहुत आसान एग्जेपन है बहुत ही सिंपल से एग्जेपन इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी चैरिटी पर्पज कंपनी वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी इन सबके ऑडिटर को एग्जाम्शन है और एक ठीक है अभी इसमें बताने के लिए बहुत सारी बात है लेकिन और एक खास बात कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑडिट रिपोर्ट है ठीक है इसको भी कारो नहीं लगेगा कारो नॉट एप्लीकेबल कारो एप्लीकेबल नहीं रहेगा ये एग्जैम्पन्स है बहुत सिंपल सिंपल से और मैंने उसका शॉर्टकट भी दिया जिसकी मदद से आप उसको याद रख सकते हैं अब केस है केस में पहले आप पूरे एग्जाम्पन्स एक्सप्लेन कर दीजिए केस सिंपल सा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पेड अप कैपिटल फिफ्टी लैक्स एक करोड़ के नीचे है वेरी गुड एक करोड़ के नीचे है तो कोई चिंता की बात नहीं है ठीक है इट इज बिलो वन करोड़ कंडीशन फुलफिल्ड है फिर बोरिंग सेवेंटी लैक्स ईच फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली बस यही पे गेम है पूरा ईच वर्ड में कभी कभी दो बैंक्स बोल देते हैं यहां पे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जल्दबाजी में बच्चे 70 लाख ले लेंगे ईच वर्ड है मतलब एक-एक से एक-एक से 70 लाख 70 लाख रुपए लिए है मतलब टोटल 1.4 करोड़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टोटल बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक करोड़ क्रॉस हो गई अगर एक करोड़ क्रॉस हो गई तो एग्जेंप्शन नहीं मिलेगा बस ये पूरा गेम ईच का था ईच वर्ड का तो ध्यान रखना सीधा जो फिगर्स दिया है उसको मत ले लेना केयरफुली ईच वर्ड ध्यान रखना 1.40 पॉइंट होता है तो एक करोड़ क्रॉस हो गया एग्जामेशन की कंडीशन टूट गई एग्जामेशन कंडीशन टूट गई अब टर्न ठीक है टर्न भी 10 टर्न ओवर है टोटल रेवेन्यू की लिमिट 10 करोड़ उससे कम है चलता है एक कंडीशन टूट गई एग्जामेशन नहीं मिलेगा दे विल नॉट गेट दी ठीक है कारों का पॉइंट हम लोगों ने नंबर देखा फिर पॉइंट जीरो थ्री हम लोगों ने नंबर देखा करेक्ट वी थ्रू विद दिस तो बहुत ही सिंपल सा था ऐसे कारो पेज नंबर फिफ्टी एट पे है पीडीएफ का पेज नंबर छह ऐड कर दो सिक्सटी फोर देन देन कारो पॉइंट जीरो सेवन पॉइंट जीरो सेवन राइट शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स एट रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम तो बहुत सिंपल है पहले तो क्लॉज बता दीजिए अच्छा अब क्लॉज को याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं आई विल बी गिविंग यू शॉर्टकट टू रिमेंबर क्लॉजेस ये एक्स्ट्रा नोट्स है आई होप आप लोगों ने एक्स्ट्रा नोट्स डाउनलोड कर लिए कारो का शॉर्टकट टू रिमेंबर क्लासेस क्लॉजेस बहुत ही सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल सा बहुत आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है, सी आसान सा आपका शॉर्टकट है और इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक बोलते उसके ऊपर बेस्ड है बहुत सिंपल है तो सिचुएशन ऐसी है कि एक होनार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति सीए फाइनल की एग्जाम देता है और सीए बन जाता है पास खुशी का ठिकाना नहीं है आई विश आप सबके लाइफ में जल्दी ये दिन आए ठीक है अब सबसे पहले अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता है सिर्फ आप इमेज को ध्यान रखो कुछ पढ़ो मत फ्लिपकार्ट जाता है शॉपिंग करता है प्रोफेशनल एक्सेसरीज लेकिन सिर्फ आपको तो वेबसाइट पे ध्यान देना है फिर नीचे एयर दिख रहा है इंडियन एयरलाइंस के साइट पे जाता है नाउ आई मै चार्ट अकाउंट आई विल फ्लाई फिर ब्लू कलर का है लिंक ठीक है लिंक पे जाता है कि मैंने मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में किस किस से कांटेक्ट करना चाहिए फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज ठीक है फिर मल्टी कलर में लिखा है ऊपर राइट साइड में लाइव डॉट कॉम लाइव डॉट कॉम ईमेल सर्विस है सबको मेल करना ठीक है मेल करने के बारे में सोचता है ई मेल सर्विस को ओपन करता है नीचे एक बॉक्स से ड्रॉप बॉक्स इट्स अ क्लाउड सर्विस ठीक है क्लाउड सर्विस है जहां पे डॉक्यूमेंट्स है जहां से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वाला है ड्रॉप बॉक्स और उसके नीचे फिर रेड में सी एन एन वो वेबसाइट पे आता है करंट अफेयर्स पता करने के लिए तो बहुत ही सिंपल से छह वेबसाइट है ये कलर का पहले फ्लिपकार्ट उसके नीचे एयरकार्ट दिख रहा है इंडियन एयरलाइंस ब्लू कलर का लिंक्ड इन मल्टी कलर लाइव डॉट कॉम ब्लू कलर का बॉक्स ड्रॉप बॉक्स रेड में लिखा हुआ है सी एन एन हो गया आपके छे क्लोज ठीक है फ्लिपकार्ट इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स Flipkart is for fixed assets. Okay? Indian Airlines. Indian Airlines. It is for inventory. LinkedIn is for loan given to related parties. LinkedIn is for loan given to related parties. Then okay? life.com is for loan given under section 185.

मल्टी कलर लाइफ डॉट कॉम दट इज फॉर ठीक है लोन अंडर वन एटी फाइव ब्लू कलर का ड्रॉप बॉक्स इज फॉर डिपॉजिट कलर का सी एन एन दैट इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स ठीक है सिंपल हो गए छे आप इमेज रिकलेक्ट करिए आपको क्लॉज नंबर अपने आप आ जाएगा क्लॉज नंबर अपने आप ठीक है आसानी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन है डिपॉजिट्स पे वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ नंबर क्लॉज है डिपॉजिट्स का एग्जाम में क्वेश्चन आया कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे ठीक है सी एन नंबर का क्लॉज आपको याद आ जाएंगे फिर इसके बाद में फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंटरव्यूज कहां पे दिए नेक्स्ट है इंटरव्यूज इंटरव्यूज कहां कहां पे दिए ब्लू कलर का एक आपका एसबीआई का साइन दिख रहा है ब्लू कलर का आपका एसबीआई का साइन दिख रहा है

ब्लू कलर में सबसे पहले एस बी आई इज फॉर ड्यूज उसके नीचे एल आई सी इज फॉर लोन रीपेमेंट उसके नीचे है दैट इज़ फॉर इन्फोसिस दीओपीओ का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया ना उसके नीचे फिनोलेक्स केबल फ्रॉड के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ठीक है उसके नीचे माइक्रोमैक्स मैनेजरियल रेमुनरेशन के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उसके नीचे है नेटवर्क 18 ठीक है उसके नीचे आपका नेटवर्क 18 है निधि कंपनीज के ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एसबीआई स्टेच्यूटरी ड्यूज पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एलआईसी लोन रिपेमेंट पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है इंफोसिस आईपीओ एफपीओ टर्म लोन का पैसा प्रॉपर पर्पज के लिए यूज किया उस पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है फिनोलेक्स केबल फ्रॉड के ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है माइक्रोमैक्स मैनेजर रेमेशन पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है नेटवर्क एटिंग निधि कंपनीज पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती छ प्लस छ बारह क्लॉस कवर हो गए छ प्लस छ इसमें आपके बारह क्लॉस कवर हो गए देन, बंदे ने शॉपिंग कर ली इंटरव्यू दे रहा है कुछ खाना पीना पड़ेगा पहले आपको दिख रहा है ब्राउन कलर के छोटे छोटे से मीठे मीठे से किसमिस उसको रीजन बोलते हैं फिर आपको दिख रहा है फ्रूट आपका पाइनापल फिर आपको दिख रहा है काजू बदाम दैट इज नट्स फिर आपको दिख रहा है गाजर दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजेंस ठीक है रेजेंस पाइनएप्पल नट्स रेजन्स पाइनएप्पल नट्स और कैरेट रेजन इज फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ठीक है पाइनएप्पल इज फॉर Preferential allotment, private placement का पैसा प्रॉपर पर्पज के लिए यूज करना nuts इज फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन को सेक्शन 192 लगता है और ठीक है. इंटर में आईपीसी में बहुत डेप्थ में आने के चांसेस कम है डेप्थ में आने के चांसेस कम है ये शॉर्टकट हमको क्लॉज में टारगेट हो सकता है ट्रू फॉल्स में टारगेट हो सकता है तो क्लॉज नंबर हमको एक्जैक्टली exactly पता होने चाहिए ठीक है कारो 2016, कारो 2016, पैराग्राफ नंबर थ्री क्लॉज नंबर सो एंड सो रोमन में लिखेंगे आप ठीक है क्लॉज नंबर रोमन में लिखिए और बेटर ठीक है, एग्जैक्टली लिखना चाहिए आपने क्लॉज नंबर तो बिल्कुल इसका तो एक मार्क भी नहीं कटना चाहिए आधा मार्क भी नहीं कटना चाहिए चलिए अब पहला क्वेश्चन कारो पॉइंट जीरो सेवन में कारो पॉइंट जीरो सेवन में पहला क्वेश्चन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में बताइए तो पहला पॉइंट मैंने वहां पे मार्किंग करके रखी हुई है पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ठीक है पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सब पहला पॉइंट आपको बताना है कि क्या लिखा है इस पहले क्लॉज में क्लॉज नंबर वन में क्लॉज नंबर वन में तो फिक्स एसेट के रिकॉर्ड्स हमको कमेंट करना है क्या मैनेजमेंट प्रॉपर फिक्स एसेट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है जिसमें सारे डिटेल्स इंक्लूडिंग क्वानिटिटिव डिटेल्स लोकेशन सिचुएशन सब बताया होता है लेकिन कमेंट उसके ऊपर ऊपर नहीं है दूसरा नंबर में जो दूसरा पार्ट है वो यहां पे रेलेवेंट है वो हमको यहां पे बताना है क्या कंपनी क्लाज नंबर वन में तीन अलग अलग चीजें हैं दे टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स आगे आने वाला क्लॉज नंबर वन अलग अलग चीजों के बारे में बात करता है इस पर्टिकुलर इसमें उसके हमारा रिलेवेंट एक ही पॉइंट है क्या कंपनी ने क्या कंपनी ने फिक्स एसेट का हमको कमेंट करना पड़ता है वेदर कंपनी हैज डन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट वेदर मैनेजमेंट हैज डन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम रीजनेबल मतलब एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल इंटरवल ऑफ टाइम जो टाइम गैप होना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इट शुड बी एक्सेप्टेबल इट शुड बी रीजनेबल क्या कंपनी ने फिक्स एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम वेरिफिकेशन करने के बाद में ठीक है क्या विजिट करने के बाद में जब उन्होंने कंपेयर किया फिक्स एसेट एज आस पर रिकॉर्ड एंड फिक्स एसेट्स आस एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकली और अगर डिस्क्रिपेंसी निकली तो क्या उसे एडजस्ट किया गया बहुत ही सिंपल है पहला फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में बोलते हैं फिर बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी मिली क्या और उसका एडजस्टमेंट हुआ क्या सिंपल सी बातें लोग बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन और उससे रिलेटेड बातें ठीक है ये पहले क्लॉज बताइए क्लॉज बताने के बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से पूरी कंपनी मैनेजमेंट चलाती है कंपनी पूरी मैनेजमेंट चलाती है उनके कंट्रोल में पूरी कंपनी है करेक्ट फिक्स एसेट्स उन्हीं के है ये जिम्मेदारी भी उन्हीं की है इट इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम अगर साल में एक बार करवाते हैं तो उसको डेफिनेटली रीजनेबल मतलब एक्सेप्टेबल इंटरवल ऑफ टाइम हर साल अगर फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं इट इज ठीक है इट इज रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम उसको रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग बोलेंगे इनफैक्ट गाइडेंस नोट में तो ऐसा लिखा है अगर आप इसको तीन साल तक भी लेके जाते हो अगर बहुत ज्यादा फिक्स एसेट से बहुत ज्यादा फिक्स एसेट से बहुत ज्यादा मेहनत लगती है फिजिकल वेरिफिकेशन में हर साल करवाना पॉसिबल नहीं है तो आप तीन साल में एक बार कराते वो भी एक्सेप्टेबल होगा लेकिन ऐसे केस में आपको कारो रिपोर्ट में कारो रिपोर्ट कारो रिपोर्ट बनती है जो मेन ऑडिट रिपोर्ट के नीचे अटैच की जाती है कारो रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल है एंड इट इज वंस इन टू इयर्स या फिर जो भी है वंस इन थ्री इयर्स तीन साल तक वो भी चलता है ठीक है फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन थ्री ईयर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल लेकिन वन के ऊपर जाओगे तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इट इज रीजनेबल बट इट इज वंस इन टू ईयर इट इज रीजनेबल बट इज वंस इन थ्री ईयर्स रिपोर्ट में बताना पड़ेगा पूरी तरीके से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ऑडिटरी का जिम्मेदारी है ऑडिटर की जिम्मेदारी है अगर पॉसिबल है फिजिबल है तो फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड करना और देखना फिजिकल वेरिफिकेशन बराबर हुआ क्या नहीं है फिजिबल तो रिकॉर्ड देखना इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन करना रिकॉर्ड का कि फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे कंडक्ट किया गया क्या फिजिकल वेरिफिकेशन को बहुत ही सिस्टमैटिकली अच्छे से कंडक्ट किया गया क्या ठीक है अच्छे से मेथड ऑफ वेरिफिकेशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने काउंटिंग की वो अच्छा होना चाहिए ठीक है प्रॉपर पूरा प्रोडक्शन रोक करके सिस्टमेटिकली उन्होंने काउंटिंग की लिखा हुआ काउंटिंग शीट में कितनी क्वांटिटी हर चीज का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इज इट एक्सेप्टेबल करेक्ट मेथड एक्सेप्टेबल है क्या रीजनेबलनेस भी इज इट एक्सेप्टेबल डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एसेट अगर बहुत ज्यादा एसेट्स है बहुत ज्यादा लंबे फैले हुए हैं करेक्ट और तो हो सकता है हम हर साल नहीं करवाए साल में

फिजिकल वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स और एक्चुअल रिकॉर्ड्स के बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी है क्या और डिस्क्रिपेंसी है तो क्या उसे एडजस्ट किया गया तो बहुत सिंपल सा पहले क्लॉज समझाना है पहले क्लॉज समझाना है फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझानी है फिर ऑर्डिटर की जिम्मेदारी समझानी है आंसर खत्म क्लास समझा है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इनको करना है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑर्डिटर की ज़िम्मेदारी है देखना है फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ ना अच्छे से मेथड सही थी ना ठीक है और कोई डिस्क्रिपेंसी है क्या आखिरी में अब ये बहुत ही बहुत ही आसान आसान से ठीक है देखिए हमने रीसेंट रीसेंट जो रिसेंट एम टीपी इस पूरे क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बता दूं पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक में पूरे क्वेश्चन बैंक में एक भी एक भी क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन हमने हमारे मन से नहीं डाला है इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन बैंक इतना लंबा चौड़ा है इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है वो अपने आप में इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है वो अपने आप में इतना बड़ा कलेक्शन है ठीक है अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा कलेक्शन है वो इतना ज्यादा बड़ा कलेक्शन है इंस्टीट्यूट का अपने आप में कि हमको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है करे ही नहीं तो पहला उन्होंने हमको बोला है मैं सत्रह के आरटीपी में नवंबर सत्रह के आरटीपी में प्लस वन और टू की थ्योरी बताइए ठीक है तो भाई बता देंगे बहुत ही आसान है क्लास नंबर वन पहले कमेंट करना पड़ता है क्या कंपनी फिक्स एसेट्स के प्रॉपर प्र, क्या कंपनी प्रॉपर फिक्स एसेट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है आर मेंटेनिंग प्रॉपर फिक्स एसेट रजिस्टर जिसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हो इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स और सिचुएशन लोकेशन ऑफ द एसेट भी दिया है क्या प्रॉपर फिक्स एसेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं क्या जो लोग प्रॉपर फिक्स एसेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं ठीक है थीके? बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके फिक्स एसेट्स मतलब वो लोग फिक्स एसेट के प्रति बहुत सीरियस है उनके फिक्स एसेट्स सेफ और सिक्योर रहेंगे तो ये लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं क्या फिर क्या रीजनेबल क्या ये लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम डिफरेंस मिलने पे फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या उसको प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं क्या तीसरा और चौथा पॉइंट क्या टाइटल डीड्स टाइटल डीड्स ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स इमुवेबल प्रॉपर्टी के कंपनी के ही नाम पर है ना मतलब जितने भी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट पे जितने भी फिक्स एसेट्स जितने भी इमोएबल प्रॉपर्टी दिख रहे हैं वो कंपनी के ही नाम पर है ना कभी कभी कंपनी के नाम पर नहीं होते कन्वर्जन ऑफ प्रोपराइटर इंटू कंपनी कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंटू कंपनी एमाल मर्जर डी मर्जर में ऐसा बहुत बार होता है कि एसेट्स तो हमारे ही है हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है हमारा राइट right है लेकिन अभी भी लीगली ट्रांसफर होना बाकी है लीगल जो फॉर्मेलिटीज है ट्रांसफर की वो होना बाकी है क्या कोई ऐसा एसेट है क्या कोई ऐसा इमूवेबल एसेट है क्या मतलब लैल बिल्डिंग है क्या है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा ऐसे कितने एसेट्स है और उसकी बुक वैल्यू कितनी है तो सिंपल चार बातें रिपोर्ट करनी पड़ती है पहले प्रॉपर फिक्स एसेट के रिकॉर्ड्स है ना फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं हैं ना करते है ना डिस्क्रिपेंसी को एडजस्ट करते और टाइटल टाइटल डीड्स डीड्स ऑफ किसकी टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर है ना नहीं है तो डिटेल्स इन्वेंट्री में सिर्फ दो बातें फिक्स एसेट में चार बातें इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ दो बातें पहली बात बतानी पड़ती है ठीक है इन्वेंट्री में हमको पहली बात बतानी पड़ती है फर्स्ट थिंग एकदम सिंपल फर्स्ट चीज हमको बतानी पड़ती है इन्वेंट्री में क्या फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है ना डायरेक्ट इन्वेंट्री में क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम और यहां पे सिर्फ एक ही साल अलाउड है एक ही साल एक साल साल में एक बार तो होना ही चाहिए अगर एक साल से ज्यादा टाइम गैप है तो फिर उसको हम लोग रीजनेबल नहीं मानेंगे दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल ठीक है दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद में क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है क्या रिकॉर्ड्स के अंदर इज देयर एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द रिकॉर्ड्स एंड एक्चुअल इन्वेंट्री क्या इसके बीच में कोई मिसमैच है क्या वो हमको देखना पड़ेगा ठीक है फिर कारोड पॉइंट इलेवन है क्वेश्चन उसमें फिक्स एसेट के बारे में बोला इट्स अ अर रिपीटेशन स्टैचु ड्यूज ड्यूज के बारे में कितनी बातें रिपोर्ट करनी पड़ती है तीन पहला क्या कंपनी क्या कंपनी पीरियोडिकली पेबल स्टैचुटरी ड्यूज जो हमको रेगुलरली हर महीने हर क्वार्टर छह महीने साल पीरियडिकली पे करना पड़ता है क्या कंपनी क्या वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैचुटरी ड्यूज टू द गवर्नमेंट क्या कंपनी स्टैचुटरी ड्यूज रेगुलरली गवर्नमेंट को पे करते हैं सभी स्टैचुटरी ड्यूज है इसमें सभी तरह के डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर होते हैं ईएसआईसी प्रोविडेंट फंड भी इसमें कवर होता है क्या कंपनी रेगुलरली ठीक क्या कंपनी रेगुलरली गवर्नमेंट को स्टैचुटरी ड्यूज पे कर रही है आर दे रेगुलरली पेइंग इट पहला कमेंट दूसरा क्या ठीक है उसमें और एड करने क्या कंपनी रेगुलरली अनडिस्प्यूटेड स्टैचुटरी ड्यूज डिस्प्यूट नहीं है अन्यूटेड सैच्यूटरी ड्यूज गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं ना ठीक है फिर दूसरा क्या कोई अन्यूटेड सेकेंड पॉइंट भी undisputed, क्या कोई अनडिस्प्यूटेड सैच्यूटरी ड्यू है विच इज आउटस्टैंडिंग विच इज विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन सिक्स मंथ एज ऑन बैलेंस शीट डेट क्या कंपनी ने ऐसा कोई पेमेंट है कोई अनडिस्प्यूटेड पेमेंट है जो पे नहीं किया है

क्या कोई कंपनी में ऐसा कोई कंप क्या स्टैचुटरी ड्यूज में ऐसा कोई ड्यूज uh, में ऐसा कोई डिस्प्यूट है कोई डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी के साथ जिसमें अभी तक ठीक है स्टैचुटरी ड्यू को डिपॉजिट नहीं किया गया है क्या कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें अभी तक कंपनी ने पैसे पे नहीं किए हैं दे हैव नॉट पेड क्या ऐसा है क्या उसके डिटेल देने पड़ते हैं बहुत खास पहले क्या रेगुलरली हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं क्या उसके बारे में बताना है दूसरा अनपेड अमाउंट ठीक है आउटस्टैंडिंग मोर देन सिक्स मंथ एज ऑन बैलेंस डेट पे नहीं हुआ और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग ठीक है हमको डिस्प्यूट के बारे में बताना है ओनली इफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड ये ध्यान रखना ओनली इफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड डिपॉजिट कर चुके हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है साफ साफ शब्दों में ठीक है बहुत सिंपल है यहां पे डिस्प्यूट के बारे में ऐसे ही बता दू कि एक लाइन लिखिए वहां पे अगर डिस्प्यूट की बात करता हूं गवर्नमेंट का शो कॉज नोटिस आता है एक नोटिस आता है इज इट डिस्प्यूट नो शो कॉज नोटिस है जो इन्फॉर्मेशन मांगे बता देंगे इट इज नॉट डिस्प्यूट ठीक है फिर उनका डिमांड ऑर्डर आता है इतना टैक्स चाहिए हम उनको पूछते हैं कि कौन से सेक्शन में आपने टैक्स लगाया उनका जवाब आता है इज इट डिस्प्यूट नहीं डिमांड ऑर्डर नहीं इज नॉट डिस्प्यूट हमने उनसे क्वेश्चन पूछा इज इट डिस्प्यूट नो इट इज नॉट डिस्प्यूट हम बोलते हैं हम पे नहीं करेंगे वी विल नॉट पे इट हम पे नहीं करेंगे हम अपील कर रहे हैं ऑर्डर के अगेंस्ट इज इट डिस्प्यूट यस फिर वो डिस्प्यूट हो जाता है सिर्फ सिंपल करस्पोडेंस होते ना उसको डिस्प्यूट नहीं बोलते जब हम उनको अग्री नहीं करते उनको मानते नहीं है उसको हम बोलेंगे डिस्प्यूट ठीक है बहुत सिंपल सिंपल से एप्लीकेबिलिटी देखा हम लोगों ने वी हैव सीन एप्लीकेबिलिटी हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी देखा एप्लीकेबिलिटी के बाद में हम लोगों ने कैसे याद रखना चीजों को वो देखा और अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो हम लोग देखते जा रहे हैं कोई भी डाउट होगा आप उस लिंक पे डालते जाइए कीप पुटिंग इट आप उस पर डालते जाइए जो भी डाउट है वहां पे आप डाल सकते हैं ओके okay. नाउ आगे बढ़ते हैं कारो डॉट कॉन्सेप्ट नंबर है डॉट सेवेंटीन कारो डॉट पे आइए वहां पे बहुत ही सिंपल बहुत आसान क्लॉज नंबर सेवन मतलब छः वेबसाइट और फिर ड्यूज वो हम लोग कर चुके हैं क्लॉज नंबर एट एस बी आई के नीचे एल आई सी लोन रीपेमेंट जो लोग डिफॉल्टर्स है उनको एक्सपोज करना जरूरी है जो लोग डिफॉल्टर्स है जो लोग डिफॉल्टर्स हैं उनको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए यहाँ पे हमारे पास में एल आई सी का है लोन रिपेमेंट हमको रिपोर्ट करना है क्या कंपनी ने हमको रिपोर्ट करना है क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है क्या कंपनी डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन किसको सबसे बड़ा किस को सबसे बड़ा आदमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का लोन रिपे नहीं किया कोई डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट है गवर्नमेंट कंपनीज नहीं ओनली गवर्नमेंट क्या कोई डिफॉल्ट है, है? है ठीक है क्या कोई डिफॉल्ट है क्या कोई डिफॉल्ट है वेदर देर इज अ डिफॉल्ट वेदर देर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ दी वेदर देर इज अ डिफॉल्ट क्या डिफॉल्ट है इन रीपेमेंट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द लोन टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट से छोटा बैंक्स बैंक से बैंक से छोटा फाइनेंशियल बैंक से छोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ठीक है डिफॉल्ट है क्या वो हमको बताना है ठीक है वी हैव टू टेल दैट नंबर वन और रीपेमेंट ऑफ लोन है सिर्फ मतलब प्रिंसिपल का डिफॉल्ट है तो ही बताना है इंटरेस्ट पे नहीं क्या चलता है प्रिंसिपल का डिफॉल्ट रीपेमेंट सिर्फ प्रिंसिपल का होता है प्रिंसिपल का डिफॉल्ट है वही बताना है ठीक है वैसे इतने गहराई में पूछेंगे नहीं लेकिन मैं क्या अभी उमड़ उमड़ के आता है नॉलेज कितना रोक लूंगा कितना रोक लूंगा भाई कितना रोक लेगा आदमी करेक्ट तो क्या कोई डिफॉल्ट है इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट से छोटे बैंक्स बैंक्स छोटे और क्या डिफॉल्ट है इन रीपेमेंट क्या डिफॉल्ट है इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर होल्डर्स भी है साहब ध्यान देना बच्चे भूल जाएंगे डिबेंचर होल्डर्स लोन रिपेमेंट तीन लोगों को और पेमेंट ऑफ ड्यूज टू डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर में दोनों कवर है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में से किसी का भी डिफॉल्ट हुआ तो रिपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है अगर डिफॉल्ट होता है तो हमको बताना पड़ेगा अगर डिफॉल्ट होता है तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई कितने साल से डिफॉल्ट है छह महीने से एक साल से दो साल से कितने समय से डिफॉल्ट कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है ठीक है यहां बताना पड़ेगा छह महीने से दो लाख नहीं पे किया तीन महीने से इतना पे नहीं किया दो साल से इतना पे नहीं किया कितना डिफॉल्ट है वो आपको कितने समय से डिफॉल्ट चल रहा है कितना डिफॉल्ट है और लेंडर वाइज लेंडर वाइज आपको डिटेल्स भी देने हैं ये भी खास है ओके देन क्लॉज नंबर एट एंड टेन एट अभी हम लोग डिस्कस करके आए ठीक है मे मॉक टेस्ट पेपर मे मॉक टेस्ट पेपर पूछा हुआ है क्लॉज नंबर 10 फ्रॉड के ऊपर है आगे और डिटेल में आने वाला है क्लॉज नंबर 10 फ्रॉड के ऊपर है फ्रॉड के ऊपर हमको क्या बताना पड़ता है बहुत सिंपल सी बात बतानी पड़ती है फ्रॉड के ऊपर वी हैव टू रिपोर्ट हमको इस क्लॉज में फ्रॉड फ्रॉड बताने हैं कौन से फ्रॉड बताने हैं दो फ्रॉड बताने फ्रॉड्स बाय ऑफिसर एम्प्लॉयज ऑन कंपनी ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कंपनी को बचाना फ्रॉड से उन्होंने फ्रॉड कर डाला फ्रॉड्स बाय ऑन दी कंपनी ये फ्रॉड रिपोर्ट करने मतलब सप्लायर फ्रॉड करेगा हमारे साथ रिपोर्ट नहीं होगा कस्टमर फ्रॉड करेगा रिपोर्ट नहीं होगा अगर कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय फ्रॉड करेंगे रिपोर्ट होगा और दूसरा फ्रॉड्स बाय कंपनी ऑन अदर्स कंपनी अगर दूसरों के साथ फ्रॉड करती तो वो भी ऑल द फ्रॉड्स विच आर नोटिस्ड जो हम खुद नोटिस करें ठीक है ऑल द फ्रॉड्स फ्रॉड्स ऑल द आर नोटिस्ड हम खुद नोटिस करें या फिर हमको रिपोर्ट किया गया हो ऑल द फ्रॉड विच आर नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड साल भर में जितने भी फ्रॉड्स नोटिस्ड है या रिपोर्ट है हम खुद नोटिस कर सकते हमको रिपोर्ट कर सकते हैं हम सभी लोगों से पूछ लेंगे मैनेजमेंट एम्प्लॉज ऑफिसर सबसे पूछेंगे आपको कोई फ्रॉड नोटिस किया आपने किसी ने आपको रिपोर्ट किया वो बताइए ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे क्या उनको नोटिस उन्होंने नोटिस किया कोई फ्रॉड उनको कोई रिपोर्ट हुआ वो भी हम नोटिस हम नोटिस करें हमको रिपोर्ट हो या कोई कंपनी का मैनेजमेंट है वो नोटिस करे उनको रिपोर्ट हो जो फ्रॉड हो चुके कंफर्म उनके बारे में बताना पड़ता है तो दो तरह के फ्रॉड है फ्रॉड बाय ऑफिसर एम्प्लॉयज ऑन दी कंपनी एंड फ्रॉड बाय कंपनी ऑन अदर कंफर्म फ्रॉड होने चाहिए या तो हमने नोटिस किए हमको रिपोर्ट हुए या किसी और ने नोटिस किए किसी और को रिपोर्ट किए उससे फर्क नहीं पड़ता फ्रॉड की डिटेल आपको बातें बतानी पड़ेगी कि फ्रॉड हुआ है उसका नेचुरल और अमाउंट आपको बताना पड़ेगा बहुत ही सिंपल बहुत आसान फिर उसके नीचे आप आइए मे मॉक टेस्ट पेपर 18 एग्जाम्स में भी है कारो डॉट ट्वेंटी फाइव कॉन्सेप्ट नंबर है कारो डॉट ट्वेंटी फाइव प्राइवेट प्लेसमेंट दो बातें रिपोर्ट करनी पड़ती है अगर प्राइवेट प्लेसमेंट अगर प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट ठीक है प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से अगर अगर हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से अगर हम लोग पैसा ठीक है अगर हम लोग पैसा लेते हैं तो पहला हमको बताना है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन 42 लगता है तो क्या कंपनीज एक्ट का सेक्शन 42 कंप्लाई किया गया क्या क्या सेक्शन 42 को सेक्शन 42 को कंप्लाई किया गया एंड वेदर मनी इज यूज फॉर प्रॉपर पर्पज दो बातें बतानी पड़ती है क्या पैसे को प्रॉपर पर्पज जिसके लिए हमने सोचा था उसके लिए यूज किया है क्या बहुत सिंपल सी दो बातें प्राइवेट प्लेसमेंट पाइन एपल सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन चौदह नंबर क्लॉज है और क्लॉज नंबर नाइन क्लॉज नंबर नाइन क्लॉज नंबर नाइन अगर आपको रिकॉल करना है छ सात नंबर पे स्टैच्यू एस बी आई आठ नंबर पे एल नौ नंबर पे इंफोसिस, ipo fpo क्या ipo fpo क्या ipo fpo टर्म लोन का पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया गया ipo fpo आपने ipo ला इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर इक्विटी शेयर्स का हो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स का हो प्रेफरेंस शेयर्स का हो या डिबेंचर होल्डर्स का हो डिबेंचर्स डेट्स का हो कोई भी ipo fpo हो क्या उसका पैसा प्रॉपर पर्पस जैसे प्रॉस्पेक्टस में लिखा था उस पर्पस के लिए यूज किया है ना और टर्म लोन टर्म लोन मतलब जिसका टेन योर छत्तीस महीने से ज्यादा है उसको भी प्रॉपर पर्पज के लिए यूज किया है ठीक है टर्म लोन ही कवर्ड है शॉर्ट टर्म लोन कवर्ड यहां पर नहीं है ठीक है फिर यह कारोड ट्वेंटी सेवन है मे अठारह के आरटीपी में भी है नवंबर उन्नीस की आरटीपी में भी है लंबा चौड़ा आंसर है स्कोप ऑफ ऑडिटर्स इंक्वायरी अंडर क्लास टेन क्लास टेन के अंदर स्कोप ऑफ इंक्वायरी बताइए ठीक है तो लगभग 1.75 पेज का 1.75 पेज का आंसर है तो मैंने क्या किया आई डिड ठीक है मैंने इसका सिंपल सा करेक्ट एक छोटा सा समरी बनाया है छोटा समरी बनाया यही हेडिंग्स जो है हेडिंग्स को ध्यान रखते हुए समरी बनाए वो समरी हम लोग देखिए एक्स्ट्रा नोट्स पे आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा देखिए कारोडाट ट्वेंटी सेवन के नाम से तो पहले आप क्लॉज नंबर टेन समझा दीजिए आप क्लॉज नंबर टेन को समझा दीजिए सिंपली एक्सप्लेन क्लॉज नंबर टेन ठीक है क्लास नंबर टेन को समझा दीजिए अभी हम लोग क्लास नंबर टेन पढ़ किया है फिर ऑडिट प्रोसीजर्स फिर एक एक करके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है मतलब मैं एक समरी वहां पे बता रहा हूं क्योंकि समरी हम लोग समझ सकते हैं याद कर सकते हैं अगर आपको ऐसा आता है कि भाई फ्रॉड के अंदर ठीक है कारों में फ्रॉड की फ्रॉड के क्लॉज में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उसके लिए ऑर्डर ने क्या करना चाहिए पहले क्लॉज नंबर टेन उसमें दो तरह के फ्रॉड आते हैं वो समझा दीजिए नंबर वन दूसरा फिर आप ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसेस टू गेट इंफॉर्मेशन फॉर क्लॉज टेन इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट करिए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस टीसीड जी मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनसे ऑफिसर्स इंप्लॉय इनसे जाके आप बात करिए बैठिए आराम से पूछिए क्या साल भर में क्या साल भर में कोई भी फ्रॉड आपने नोटिस किया क्या कोई भी फ्रॉड आपने नोटिस किया क्या कोई भी फ्रॉड अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग साल भर में कभी भी किसी भी महीने में अलग अलग डिपार्टमेंट में आपने कोई भी फ्रॉड नोटिस किया क्या या फिर आपको रिपोर्ट किया गया क्या उसके बारे में हम हमको डिटेल दीजिए सबसे आगे पूछेंगे सर वो क्यों बताएंगे झूठ बोलेंगे तो यही एक तरीका थोड़ी है और भी तरीका है तो पहले पूछता आराम से बैठ के और सब लोग बुरे थोड़ी होते सब लोग खराब थोड़ी होते तो शुरुआत पहले जाके उनसे पूछताछ करेंगे इंक्वायरी करेंगे अच्छे लोग होंगे बता देंगे हो सकता है कुछ छुपाए भी तो पहले उनसे पूछो फिर इंटरनल ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिटर है उनसे जाके बात करो इंटरऑडिटर को बोलो तेरी आपकी रिपोर्ट बताइए रिपोर्ट के अंदर फ्रॉड के बारे में कुछ बोला है क्या आपने साल भर में कोई भी फ्रॉड कोई भी फ्रॉड नोटिस किया आपको किसी ने रिपोर्ट किया क्या आपको फ्रॉड की कोई भी जानकारी है इंटरऑलिटर बहुत मेहनत करता है बहुत चेकिंग करता है सिस्टम्स को लेकर अपनी रिपोर्ट बनाता है उससे आगे बात करो इंटरनॉडिट करते हो कुछ पता चला क्या रिपोर्ट में आपने कुछ लिखा हुआ है क्या ठीक है तो बहुत सिंपल है पहले क्लॉज बताना फिर इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट रीड रिपोर्ट फ्रॉम इंटरनऑडिटर फिर डिस्कशन आपस में बैठ के डिस्कशन करिए देखिए सबको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कुछ भी अनयूजल मिल रहा है क्या कुछ भी अनयूजअल मिल रहा है क्या रेशोज अन मिल रहा है मतलब फ्रॉड हुआ है सकता इट्स अ इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड आपस में बैठ के जितने भी अनयूजल चीजें डिस्कस करिए जितनी भी इंफॉर्मेशन सबको पता है वो कॉन्ट्रीब्यूट करिए देखिए उसकी मदद से कोई फ्रॉड मिल रहा है क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख कर मांगे सब कुछ करने के बाद जब मन में थोड़ा भी डाउट रह जाता है और सारे सबूत मिलने के बाद में तो और सिर्फ एक सपोर्टिंग एविडेंस एक सपोर्टिंग एविडेंस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दीजिए कि भाई हमने आपको सभी फ्रॉड्स के बारे में बताया सभी फ्रॉड्स के बारे में बताया जितने हमने नोटिस किए जितने हमको रिपोर्ट किए गए हमारे पास बताने के लिए और कुछ भी नहीं है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट आप इसको मिस यूज नहीं कर सकते सारी प्रोसेस करने के बाद सारे एविडेंस इकट्ठा करने के बाद जब मन में थोड़ा सा और डाउट रहता है तो वो डाउट को कवर करने के लिए हम ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं इसको मिस यूज नहीं करना है सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के भरोसे हम नहीं चल सकते ठीक है पहले मैनेजमेंट से इंक्वायरी फिर इंटरवेटर से इंक्वायरी फिर आपस में डिस्कशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और इसको सब्सिट्यूट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड स्कोप ऑफ इंक्वायरी रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड्स नोटिस ऑर रिपोर्टेड वी कैनोट टेक रिस्पॉन्सिब ऑल फ्रॉड्स देखिए कंपनी के सारे फ्रॉड रिपोर्ट कर रहे ऐसा नहीं है वी आर नॉट रिपोर्टिंग ऑल द फ्रॉड कैन बी मेनी फ्रॉड्स वी आर रिपोर्टिंग ओनली दो फ्रॉड या जो हमने या कंपनी के लोगों ने किसी ने नोटिस किए थे या रिपोर्ट किए थे ओनली नोटिस एंड रिपोर्टेड दैट्स इट सभी फ्रॉड्स की जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे जो हमने नोटिस या रिपोर्ट किया बस उतने ही बता रहे हैं उतने ही बताए जा रहे हैं ठीक है वन फोर्टी में फ्रॉड के बारे में गवर्नमेंट को बताना पड़ता है और यहां पे कारो रिपोर्ट में बताना पड़ता है क्या फर्क है वन फोर्टी में रीजन टू बिलीव अगर सिर्फ रीजन टू बिलीव भी है सस्पेक्ट भी है शक भी है तो रिपोर्टिंग कर देते यहां पे ऐसा नहीं है कन्फर्म होने के बाद ही रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ये दोनों में फर्क है ठीक है बट इन क्लॉज नंबर टेन ओनली नोटिस रिपोर्टेड एक्चुअल फ्रॉड जो फ्रॉड हो चुके हैं बस वो करना पड़ेगा इवन इफ फ्रॉड रिपोर्टिंग इज डन अंडर कारो रिपोर्टिंग मे बी रिक्वायर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसेड मतलब कारों में तो रिपोर्टिंग कर दी लेकिन पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिस्टेड है उसमें भी गलती है तो मेन ऑडिट रिपोर्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा मॉडिफाई करनी पड़ेगी हमको रिपोर्ट देखो तो लंबा चौड़ा दो पेज का आंसर था उसकी समरी मैंने बना के दी पहले क्लॉज बताइए फिर पहले क्लॉज बताइए फिर मैनेजमेंट से बात करेंगे उनसे छोटे ऑडिटर से बात करेंगे फिर मेंबर्स से हम लोग डिस्कस करेंगे रिटर्न रिप्रेजेंट लेंगे सोचेंगे फिर बाद में लिखा है ठीक है ये फ्रॉड्स केयरफुली सिर्फ जितने फ्रॉड नोटिस या रिपोर्ट है

एप्लीकेबिलिटी एप्ली, के बाद क्लॉज के लिए हमने शॉर्टकट देखा क्लॉजेस के डिटेल्स देखे और हमारा पूरा फोकस इसी पे है हमारा पूरा का पूरा फोकस इसी पे कि इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस पूछे जो टारगेट किया है उतना हम कवर करें ठीक है मैं आपको बता दूं ये फास्ट ट्रैक नहीं है आ, मतलब फास्ट ट्रैक फास्ट्रैक बैच नहीं हमारा फास्ट ट्रैक बैच अलग होता है फॉर आवर्स आवर्स भी नहीं मैंने सुबह गलती बोल दिया था आवर्स आवर्स का हमारा फास्ट ट्रैक बैच होता है

सेक्शन 128 बुक्स ऑफ़ अकाउंट से डील करता है तो सबसे पहले समझा है सबसे इंपॉर्टेंट जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट से डीड्स है वो आते हैं बुक्स एंड पेपर्स या और पेपर सबसे इंपॉर्टेंट लीगल डीड्स उसे छोटे बोर्ड के जो मिनट्स होते हैं मिनट्स ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग बोर्ड मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट वो फिर बीओ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है उसको भी हम लोग देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें प्राइमरी बुक्स आती है पहले एंट्री करते हैं फिर सेकेंडरी बुक्स आती है लेजर आता है ठीक है ये उसमें आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फिर और थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं एम्प्लॉय के रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं ठीक है एम्प्लॉय रजिस्टर इज मेंटेन प्रोडक्शन रजिस्टर इज मेंटेन बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन होते हैं फिर वाउचर्स अकाउंटिंग एंट्री को सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रहता है जिसकी मदद से हम एंट्री को वाउच कर सकते हैं चेक कर सकते हैं वाउचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया है एनालिसिस जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, या राइटिंग्स कुछ लिखा है ये सब कुछ बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स और पेपर्स दोनों में आते हैं सबसे बड़ी आपकी लीगल डीट्स उससे छोटे आपके बोर्ड मिनट्स उसके छोटे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उससे छोटे आपके रजिस्टर्स फिर आपके वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स एंड राइटिंग्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या और ये ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये फिजिकल भी पेपर फॉर्म में भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब वो रिकॉर्ड्स जिसमें हम वो रिकॉर्ड जिसमें क्या कवर्ड है कंपनी जिसमें सारे रिसीट्स और पेमेंट्स है पैसा कहाँ से आया पैसा कहाँ से गया मतलब कैश बुक बैंक बुक पैसा कहाँ से ऑल द मनी रिसीव्ड एंड रिसीव्ड एंड पेड कैश बुक बैंक बुक पैसा सबसे ज्यादा आता कहाँ से सेल्स ठीक है जाता purchase, इसलिए book, book. उसके बाद आखिरी में क्या हो जाता है एसेट्स और लाइब्रेरी सारे एसेट लाइब्रेरी के रिकॉर्ड दिखने चाहिए मतलब आपको सेकेंडरी बुक्स भी मेंटेन करनी पहले प्राइमरी बुक्स की बातें आ गई सेकेंडरी बुक्स की बातें आ गई फिर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना है इफ इट गेट्स एप्लीकेबल अगर वो एप्लीकेबल होता है तो ही मेंटेन करना है नहीं तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है नो नीड टू उसको बताने की जरूरत नहीं तो कंपनी अकाउंट्स में सेक्शन वन ट्वेंटी में देखो बहुत आपको आसान लग रहा होगा आसान लग रहा होगा लेकिन कहीं इसी में गेम ना हो जाए मे नाइनटीन आर में मतलब पूछा है बुक्स एंड पेपर्स बुक्स और पेपर्स बड़ी बड़ी बातें पढ़ के गए और एक जो एकदम जो सिंपल चीज थी जो एकदम सिंपल चीज थी वो हमको आई ही नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए दिस शुड नॉट हैपन ठीक है नाउ बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ठीक है क्या हम लोग मे सेवनटीन आरटीपी अठारह आरटीपी नवंबर एटीन एग्जाम मे नवर मे नाइनटीन आरटीपी करेक्ट इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं कैन वी कीप इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सकता है कर? तो ठीक है देखिए एक्स्ट्रा नोट्स रेफर करिए लिखा हुआ है एक्स्ट्रा नोट्स पे अगर आप आएंगे ठीक है डायग्राम के थ्रू डायग्राम के थ्रू ठीक है पूरी की पूरी चीज कवर्ड है यस yes. यस yes, सेक्शन 128 और उसके रूल्स अलाउ करते हैं कि अलाउ करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं इसको रखना पूरी तरीके से अलाउड है इट इज अलाउड क्या शर्त है लेट्स सी वन बाय वन शर्त क्या है जितना भी डेटा है जितना भी डेटा है जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट जितना भी डेटा है ठीक है वो उसी फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट बना था जिस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में वाउचर बना था जिस फॉर्मेट में प्राइमरी बुक्स बने थे जिस फॉर्मेट में सेकेंडरी बुक्स बने थे एक्जैक्टली exactly उसी फॉर्मेट सेम फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसा का वैसा एज इट इज उसको आप स्कैन कर लो उसको आप फोटो ले लो एज इट इज उसी या फिर उसको वैसा का वैसा सिस्टम में दिखना चाहिए जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बनी जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट की गई थी रिसीव की गई थी सेंड की गई थी एग्जैक्टली exactly उसी फॉर्मेट में उसको सेव करना है या फिर फॉर्मेट चेंज करना अलाउड है ठीक है इट शुड बी कंप्लीट पूरी इनफेक्ट कंप्लीट और एक्यूरेट कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अनअल्टर्ड पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए हो सकता है फॉर्मेट थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू जिस तरीके से बना था जिस तरीके से बनाया गया था क्रिएट किया गया था सेंड किया गया था रिसीव किया गया था इट शुड बी कंप्लीट कंप्लीट होना चाहिए अनअल्टर्ड होना चाहिए एज पूरी उसमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कंप्लीट एक्यूरेट अनअल्टर्ड ठीक है और ये सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट है कि भाई इसमें एक्यूरेट होना चाहिए कंप्लीट और अनअल्टर्ड ब्रांचेस भी इसमें कवर्ड है ब्रांचेस से जो इंफॉर्मेशन आती है ब्रांचेस से जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन भी एज इट इज रखो या फिर ठीक है थोड़ा चेंज कर सकते फॉर्मेट एक्यूरेट कंप्लीट और अनअल्टर्ड मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी चेंजेस अनअल्टर्ड ठीक है कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं रहेंगे जो इन्फॉर्मेशन आई थी वैसे की वैसी होनी चाहिए पॉइंट क्लियर और फिर खास बात है इट शुड बी लेजिबल आसानी से पढ़ते जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव करें लेजिबल फॉर्म में चाहिए रीडेबल इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम इंडिया इंडिया से कभी भी एक्सेस कर सकते ताकि उसको यूज कर सके कंपनी इंडिया में है तो यूज कर सके इट शुड बी लेजिबल लेजिबल होना ले पढ़ते बैकअप सर्वर जो है आप बैकअप लीजिए पूरे डेटा का आप रखिए कहीं पर भी पूरी दुनिया में लेकिन जो बैकअप होगा बैकअप सर्वर इंडिया में ही रखना पड़ेगा आपको जो बैकअप सर्वर है ठीक है आपको जो बैकअप सर्वर है वो इंडिया में ही रखना पड़ेगा यू टू कीप इन इंडिया ओनली ठीक है क्या आप क्लाउड पर रख सकते हैं यस क्लाउड पर रख सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट से वन ड्राइव सर्विस ले रहे हैं गूगल ड्राइव की सर्विस ले रहे हैं ड्रॉपबॉक्स की सर्विस ले रहे हैं उसका नाम बताइए अगर कोई आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस बताइए क्लाउड एड्रेस है उन्होंने कोई साइट को लिंक दी है तो वो बताइए फिजिकल लोकेशन इफ एनी अगर उनका कोई फिजिकल ऑफिस अगर है जिसके बारे में बोल रहे हैं तो बताइए तो वो बताने कौन है उसका आईपी एड्रेस उसका क्लाउड एड्रेस फिजिकल लोकेशन इफ एनी सर्विस प्रोवाइडर के डिटेल्स होने चाहिए और प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए फॉर स्टोरिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिट्रीविंग इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से स्टोर होगा किस तरीके से रिट्रीव होगा किस तरीके से प्रिंट होगा पूरी पॉलिसी ऑडिट कमेटी ने बनानी चाहिए ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोई डिलीशन नहीं होगा कोई डिलीशन नहीं होगा अनलेस परमिटेड बाय लॉ नो डिलीशन अनलेस परमिटेड बाय लॉ कितनी तो इंफॉर्मेशन लगती है कितनी तो इंफॉर्मेशन लगती है ठीक है ये डायग्राम से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की है ऑप्टेन की है रिसीव की है भेजी है सेम फॉर्मेट या फिर कंप्लीट एक्यूरेट अनअल्ट्रेशन नो चेंजेस इवन ब्रांच को भी एप्लीकेबल है लेजिबल होना चाहिए इंडिया से एक्सेसिबल होना चाहिए फिजिकल उसका जो बैकअप है वो इंडिया में रहना चाहिए सर्विस प्रोवाइडर के सारे डिटेल्स दे दो और प्रॉपर सिस्टम बनाई है डेटा को स्टोर करने की स्टोर करने की एक्सेस करने की रिट्रीव लेने करने की प्रिंट आउट निकालने की पूरी सिस्टम बनाई है ऑडिट कमेटी बनाएगी ऑडिट कमेटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे और कभी डिलीट नहीं करना अनलेस ये सबसे इंपॉर्टेंट अनलेस परमिट बाय लॉ मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स है इसकी लाइफ अनलिमिटेड है लिटरली स्पीकिंग अनलिमिटेड है इसको डिलीट करना ही नहीं है ये डायग्राम से चीजें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए देखो वहां पर लिखा है और कॉन्सेप्ट नंबर मैच होगा रेफर एक्स्ट्रा नोट्स बोला हुआ है नहीं तो इतनी थेरी थी यहां पे इतनी थेरी थी वो थेरी को फटाफट हम लोगों ने एक डायग्राम में कवर कर लिया ठीक है फिर आइए ठीक है ट्वेंटी फाइव नंबर पे ट्वेंटी फाइव नंबर पे आइए देखिए हमारा जो पहला पार्ट है पहला पार्ट है हम लोगों ने दो घंटे का रखा है और जो आखिरी पार्ट है वो एक घंटे का पहला पार्ट दो घंटे का और जो आखिरी पार्ट है वो एक घंटे का हम लोग रखेंगे और बीच में बराबर ब्रेक है चिंता मत करिए बराबर आपको सही समय में ब्रेक मिल जाएगा मुझे पता है कि आप ब्रेक चाहिए बराबर नौ बजे के पहले मैं आपको ब्रेक दे दूंगा आधे घंटे का ब्रेक दूंगा पूरे पूरे आधे घंटे का ब्रेक आई विल गिव यू ब्रेक ऑफ कंप्लीट हाफ एन आवर हाफ एन आवर का पूरा ब्रेक देने वाला हो तो बिल्कुल चिंता मत करिए शांति से पढ़िए एकदम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेंगे एज पर सेक्शन वन थर्टी फोर वन टू के हिसाब से हु इज गोइंग टू साइन कौन साइन करेंगे ठीक है वन थर्टी फोर वन देखिए बहुत आसान आप एक्स्ट्रा नोट्स पे आइए एक्स्ट्रा नोट्स पे आपको मिलेगा क्या लिखा है एकदम सिंपल बात है जो कंपनी के स्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको साइन करना ऑथेंटिकेट ठीक है ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कैसे पहले उसको बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अप्रूव उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे उसको अप्रूव कैसे, कैसे करेंगे तो सबसे पहली बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर उसको कंसिडर करके अप्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करना पड़ेगा साहब स्टेप नंबर वन पहले इनको अप्रूव करना पड़ेगा फिर अप्रूव करने के बाद साइन करना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड कौन साइन करेगा चेयर पर्सन इफ ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयर पर्सन साइन करेगा चेयर पर्सन विल साइन और डायरेक्टर्स डायरेक्टर साइन करेंगे एंड वन ऑफ देम शुड बी एमडी या तो जो कंपनी के चेयर पर्सन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते तो वो साइन करेंगे या फिर दो डायरेक्टर साइन करेंगे अगर वो अप्रूव नहीं करते जनरली चेयरपर्सन को अप्रूव करे थे अगर वो नहीं तो कम से कम दो डायरेक्टर दो डायरेक्टर साइन करेंगे और वन ऑफ देम शुड बी एमडी तीसरा सीईओ साइन करेगा इफ डायरेक्टर अगर सीईओ साइन करेगा ओनली इफ ही हिमसेल्फ इज अ डायरेक्टर तभी वो साइन करेगा सीएफओ को साइन करना ही करना है भैया तेरी जिम्मेदारी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी सेक्रेटरी को भी साइन करना है तो चार लोग या तो चेयरपर्सन या तो चेयरपर्सन या उसके बिहाफ में दो डायरेक्टर्स और उसमें से एक एमडी होना चाहिए ठीक है एमडी होना चाहिए फिर देन ये फिर सीईओ तीन सी लाइन से सीईओ अगर डायरेक्टर है तो सीएफओ और सीएस और ऑडिटर की रिपोर्ट अटैच करनी पड़ेगी अटैच करनी पड़ेगी अटैच करनी पड़ेगी, पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये सेक्शन क्शन एंड सेक्शन फोर टू में यह बात लिखी है ऑथेंटिकेशन की ऑथेंटिकेशन की भैया इसको ऑथेंटिकेट करेंगे इसको ठीक है इस पे कितने लोग साइन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा अप्रूव कैसे किया जाएगा उसके बारे में पहले बोर्ड का अप्रूवल फिर सिग्नेचर्स फिर ऑडिटर पर अटैच करो हो गए ऑथेंटिकेट वन पर्सन कंपनी में क्या होगा वन पर्सन कंपनी में वन डायरेक्टर शुड साइन ठीक है फिर एक सिंपल ज्ञान की बात दिखा ली लीगली लीगली सिर्फ ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना पड़ता है और ऑडिट रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा ऑडिटर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा ऐसा दिया हुआ नहीं है ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा ऐसा दिया हुआ नहीं है ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग जब भी इश्यू करते हैं तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ सबसे पहले लॉजिकल पहले आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट आती है उसके बीच में यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं उसके बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं सॉरी बीओडी रिपोर्ट होती है बीओडी रिपोर्ट के बाद में ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है और उसके बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं फिर नोट्स टू अकाउंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी अकेले सर्कुलेट नहीं होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी बर्कुलेट अलोन इट शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट उसके नीचे ऑडिटर्स रिपोर्ट उसके नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट ये सब मिलाकर सर्कुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो कौन ऑथेंटिकेट करेगा और कैसे सर्कुलेशन होगा ये हम लोगों ने देख लिया अब देखेंगे वन थर्टी फोर वन टू और सेवन ये सारी बात वहां लिखी है ठीक है हम लोग पढ़ रहे कंपनी नंबर टू में क्या बातें दी हुई है फिर सेक्शन 134 में ही डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में बोला डी आर एस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ठीक है सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ठीक है अपने बीओडी रिपोर्ट में ये डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट को इंक्लूड करना पड़ता है देखिए कंपनी ऑडिट में हमारे बहुत सारे पीपीटी बहुत सारे चार्ट बने हुए हैं तो हम बार बार उसी से पढ़ेंगे बार बार उसी से पढ़ेंगे ठीक है रेफर एक्स्ट्रा नोट्स उस पर चलते हैं आपका बराबर ये मैच किया हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट नंबर मैच किया हुआ है तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है उस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ठीक है क्या क्या रहेगा सबसे पहली बात उनको लिखना पड़ता है उनको लिखना पड़ेगा क्या कंपनी की इंटरनल क्या कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या इफेक्टिव है क्या? ठीक है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की डेफिनेशन भी आप बताइए 315 के हिसाब से बता सकते हैं सिस्टम्स है और मेथोलॉजी जो मैनेजमेंट ने बनाया है टू एंश्योर की एसेट्स पूरे सेफ रहे और न उसको एक्सेस ना हो पिरोकल उसकी स्टॉकिंग होती रहे उसका यूज करके जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथोराइज हो दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इफेक्टिवलीफिशियंट और इफेक्टिवली हो ट्रांजेक्शन करते वक्त लॉ का कंप्लायंस हो और इन सब की प्रॉपर अकाउंटिंग हो अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो चार बातें सेम डेफिनेशन आप सकते हो लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड कंपनी में इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बाकी जगह नहीं बाकी कंपनी का जब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनेगा ठीक है तो उसमें नहीं लिखना पड़ेगा सिर्फ लिस्टेड कंपनी देखिए हाईएस्ट जो सबसे पावरफुल लोग है सबसे ऊंचाई पे बैठे कंपनी पावरफुल लोग है उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दीजिए उनके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे वो बड़े जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से काम करेंगे वो अच्छे से काम करेंगे तो पूरी कंपनी अच्छे से काम करेगी तो अगर आपको क्वालिटी रिपोर्ट्स चाहिए क्वालिटी चीजें चाहिए पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर के ऊपर डाल दो तो सबसे सबसे पहले सिस्टम्स आते हैं सिस्टम की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स को उठानी पड़ती है लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ उठानी पड़ती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है सिर्फ लिस्टेड कंपनी में नंबर वन फिर सिस्टम को यूज करके रिकॉर्ड्स कमेंट करना पड़ता है मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या कंपनी एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ना एडिक्वेट एडिकुट सिस्टम को यूज करके एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं क्या क्या ये लोग अपने एसेट्स को भी सेफ कर रहे हैं ना ठीक है देखो ये जो सिस्टम्स है क्या सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बराबर बना रहे को सेफ कर रहे हैं प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड का काम भी कर रहे हैं पहले तो सिस्टम की जिम्मेदारी लो और सिस्टम को यूज करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बराबर बन रहे ना एसेट सेफ है ना ठीक है न, और, और तो और आपका इज इट प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड्स ठीक है एंड अदर इरेगुलरिटीज बड़ा पहले सिस्टम की जिम्मेदारी लो फिर ऐसे याद रखना है सिस्टम की जिम्मेदारी लो फिर सिस्टम को यूज करके चीजें क्यों अकाउंटिंग फॉलो नहीं किया उसका रीजन यहां पे देना पड़ेगा आपको क्या आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ये अकाउंटिंग पॉलिसीज आप कंसिस्टेंटली लगा रहे पॉलिसीज एस्टिमेट्स आपके अच्छे है ये भी बताइए और क्या फाइनल ये सब करने के बाद में वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और ये सब टिका हुआ है वेदर गोइंग कंसर्न बराबर है गोइंग कंसर्न कैसा है बराबर है ना गोइंग कंसर्न एजम्शन डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि यस हमने सब कुछ छानबीन किया और हम कमेंट जिम्मेदारी लेके कमेंट करना पड़ता है पहले आते सिस्टम्स क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बराबर इफेक्टिव है लिस्टेड कंपनी में सिर्फ

गोइंग कंसन एजमशन क्या लिया इज इट अप्रोप्रिएट ये एक लिंक बनाने की कोशिश की है एक लिंक बनाने की कोशिश की है पहले सिस्टम की बात की फिर सिस्टम से जो चीजें निकल के आती है फिर अकाउंटिंग के लिए जो लगता है फिर वहां से जो कंसिस्टेंसी की बात और आखिरी में ये सब टिका हुआ है गोइंग कंसर्न के ऊपर आप इस फ्लो में याद रखने की कोशिश कर सकते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए यह बात हमने डिस्कस की देखिए जो चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो हम लेते जा रहे हैं कंपनी ऑडिट पे आइए अब कंपनी ऑडिट पे आइए पेज नंबर सेवेंटी सेवन पी का पेज नंबर होगा एटी थ्री ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर की बात कर रहे हैं वेर कंपनी इज रिक्वायर टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफ ऑडिटर अंडर द अंडर दिस सेक्शन सेक्शन वन थर्टी नाइन शाल बी मेड आफ्टर टेकिंग टू रिकमेंडेशन ऑफिट कमेटी एक्सप्लेन स्टेटिंग ऑल्सो द क्लास ऑफ कंपनी टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी ठीक है सब जानते हैं कि ऑडिटर का नाम रिकमेंड कौन करता है ऑडिटर का नाम इज रिकमेंडेड अगर अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो नाम रिकमेंड करता है ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी नाम रिकमेंड करती है और वो नहीं है तो इट इज रिकमेंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है अब कौन से क्लास ऑफ कंपनीज को ऑडिट कमेटी लगती है ऑडिट कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जो पूरा कंपनी के अकाउंट्स और ऑडिट के ऊपर ध्यान रखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी मेंटेन करना जरूरी है डेफिनेटली बड़ी कंपनीज को जो बड़ी कंपनीज है उसमें जरूरी है बड़ी कंपनीज में कौन आता है लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी में कौन आता है लिस्टेड पब्लिक कंपनी ठीक है लिस्टेड पब्लिक कंपनी आएगा लिस्टेड पब्लिक कंपनी पहला और दूसरा अनलिस्टेड कंपनी में ठीक है अनलिस्टेड बाकी अनलिस्टेड कंपनी में कौन आएगा पब्लिक कंपनी जिसका अप कैपिटल टेन क्रोज और मोर है ठीक है या फिर जिसका एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिपोजिट लोन जितने भी लोन है और मोर था, वो मैंने कट कर दिया इंस्टीट्यूट ने भी और मोर लिखा हुआ इंस्टीट्यूट ने भी और मोर लिखा हुआ है नहीं लिखा होना चाहिए था क्योंकि जो एक्चुअल सेक्शन है वहां पर सिर्फ एक्सीडिंग ऐसा लिखा हुआ है सिर्फ एक्सीडिंग पेडअप कैपिटल टेन करोड और मोर उससे ज्यादा बोरिंग्स ठीक है एग्रीगेट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिबेंचर डिपॉजिट दैट शुड भी फिफ्टी और मोर और उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा हो टर्न ओवर है टर्न ओवर हंड्रेड और मोर सिंपल सीक्वेंस है सबसे बड़ा सबसे बड़ी आपकी सबसे बड़ी आपकी लिस्टेड कंपनीज फिर ठीक है लिस्टेड कंपनीज है फिर एक एक करके या फिर उल्टा करिए आप जिसका पेड अप कैपिटल टेन करोड़ और मोर हो बोरोइंग्स धीरे धीरे बढ़ाते हैं फिफ्टी करोड़ और मोर हो टर्न ओवर हंड्रेड क्रोर्स और मोर हो या फिर लिस्टेड पब्लिक कंपनी एक एक को पकड़ते जा रहे हैं पेड अप कैपिटल दस करोड़ टेन करोड़ और मोर के लिमिट बोरइंगी करोड़ और ज्यादा की लिमिट टर्न ओवर की हंड्रेड करोड़ और ज्यादा की लिमिट और फिर लिस्टेड कंपनी कोई भी एक इसमें कवर हुआ है तो आपको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी एज पर सेक्शन वन सेवेंटी सेवन ऑडिटर बहुत सिंपल सी बात ऐसे है बहुत ही क्वेश्चन है 18 का, 1391 बोले कमेंट तो 1391 में लिखा हुआ है सबसे के बारे में सोच जाइए सो, मतलब भूल जाइए उसमें ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है बाकी सेक्शन नंबर तो मैं आपको याद दिला दूंगा बहुत ही आसान से बड़ी मुश्किल से कितने तो सेक्शन है 139 से 148 139 से 148 तो आप आसानी से याद हो जाएंगे आपको बहुत ही सिंपल है ठीक है टेन और यस जो बंदा फर्स्ट फर्स्ट एजीएम पे जो सब जो फर्स्ट एजीएम पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करता है वो अगले पांच एजीएम के लिए ऑडिटर रहता है मतलब वो सिक्स एजीएम तक वन प्लस फाइव सिक्स एजीएम तक ऑल्टर रहता है बिल्कुल सही बात है इसके बारे में वो रेटिफिकेशन की बात लिखिए पुराना आउटडेटेड है वो कट कर दीजिए बंदे को ठीक है बंदे को अपॉइंट करने से पहले उससे कंसेंट और सर्टिफिकेट लिख कर दे लिख के था महोदय आई एम रेडी टू गेट अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 मैं तब से रेडी उससे कंसेंट ना सर्टिफिकेट ठीक है सर्टिफिकेट वो लिख के आता है कि मैं क्वालिफाइड हूं मैं क्वालिफाइड हूं मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूं अंडर कंपनीज एक्ट मैं डिस्कवालीफाइड नहीं हूं अंडर सी एक्ट मैं क्वालिफाइड हूं मैं डिस्कवालीफाइड नहीं हूं मैंने जो आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग पेंडिंग ठीक है जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी रिगार्डिंग पेंडिंग केसेस या एक्चुअल केसेस जो मेरे अगेंस्ट पास हुए वो सारी अगर कुछ है तो वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है सीलिंग लिमिट की जो इन्फॉर्मेशन वो भी सही है इट इज ट्रू एंड करेक्ट सर्टिफाई करना पड़ता है खुद के बारे में जो जानकारी हो तो सर्टिफाई कर ही सकता है ट्रू एंड करेक्ट ठीक है खुद के बारे में जो फैक्ट्स है अपॉइंटमेंट के बाद इंटीमेशन देना पड़ता है इंटीमेशन बताना पड़ता है पंद्रह दिन के अंदर आर को और ऑडिटर को बता इन्फॉर्म करना पड़ता है भाई साहब अपॉइंटमेंट हो गया तो बहुत सिंपल है अपॉइंटमेंट के पहले अगर आपको सीक्वेंस रखना है अपॉइंटमेंट के पहले ध्यान रखना है अपॉइंटमेंट के पहले सामने वाले से कंसेंट लेटर आर यू रेड टू गेट अपॉइंटेड एंड सर्टिफिकेट कि तुम दूध से धुले हुए हो तुम क्वालिफाइड हो तुम डिस्कवालीफाइड नहीं हो कंपनीज एक्ट में सी एक्ट में कहीं पर भी तुम डिस्कवालीफाइड नहीं हो तुम्हारे पास में सीलिंग लिमिट है तुम डिस्कवालीफाइड नहीं हो तुम्हारे पास में ठीक है तुम्हारे पास में सीलिंग तुम्हारे पास में सीलिंग लिमिट है और तुमने जितने भी इंफॉर्मेशन दी थी प्रोफेशनल पेंडिंग केसेस इंस्टीट्यूट के पेंडिंग केसेस तुम्हारे अगेंस्ट या जो पासवर्ड ट्रू एंड करेक्ट है पहले वो अपॉइंटमेंट के पहले क्या होना चाहिए अपॉइंटमेंट एजीएम में होगा फर्स्ट ए में अगले पाँच साल तक तो सिक्स ए तक चलेगा अपॉइंटमेंट के बाद में इंटीमेशन भेजना पड़ेगा फॉर्म एटी वन में दो लोगों को जो ऑडिटर है उसको भेजना पड़ेगा और जो आर है उसको भेजना पड़ेगा बहुत सिंपल सी बात बहुत आसान आसान सी बात है ठीक है देखिए जो जो रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं कवर करते आ रहा हूं प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट देखो लंबा चौड़ा आंसर है प्रोसीजर इसका हमारे पास में शॉर्टकट है वी हैव अ शॉर्टकट मतलब एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है वो हम देख देखिए, तीन स्टेप्स होते हैं प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट में दर थ्री स्टेप्स दियर थ्री स्टेप्स द्री स्टेप्स इट कम्स टू ठीक है प्रोसीजर्स सिलेक्शन एंड सिंपल सिंपल थ्री स्टेप्स है सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ पहला काम होता है ऑडिटर को सिलेक्ट करना इसमें थोड़ी ज्यादा स्टेप्स भी है ज्यादा चीजें ज्यादा एक्सप्लेन जितना रिलेवेंट है उतना ही आप लिखिए लेकिन मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ एक साथ कनेक्टेड है पहला स्टेप होता है बंदे को सिलेक्ट करना उसका नाम रिकमेंड करना फिर उससे कंसेंट और सर्टिफिकेट लेना फाइनली रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करना और इंटीमेट करना दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ठीक है पहला स्टेप सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन ये काम कंपनी की ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं एज द केस में कौन से फैक्टर्स बंदा का क्वालिफिकेशन क्या है उसका एक्सपीरियंस क्या है क्या उसका कॉम्पिटेंस एक्सपीरियंस कैपेबिलिटीज हमारे लिए सूटेबल है क्या बंदे का क्वालिफिकेशन क्या है एक्सपीरियंस क्या है क्या वो सूटेबल है कंपनी के लिए सिंपल है कॉमन सेंस है यार सूटेबल है कंपनी के लिए कितने मिसकंडक्ट के ऑर्डर पास हो चुके हैं कितने पेंडिंग है और कितने ऑर्डर पास हो चुके हैं पास में कितने पास हो चुके कितने पेंडिंग है उससे डिस्कालीफाइड नहीं होता सिर्फ देखना चाहिए क्या क्या गलत काम इसने किए हुए हैं हमारे इंडस्ट्री में किए हैं कौन से गलत काम किए हैं बहुत बड़े गलत की छोटे मोटे हैं वो देख लेना चाहिए आप पे इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा अपॉइंटमेंट विल बी डन अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते हो इन बातों ठीक है पहले सिलेक्शन सिलेक्शन कौन करेगा ऑडिट कमेटी वो नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिंपल से फैक्टर्स है क्या क्वालिफिकेशन है क्या एक्सपीरियंस है क्या वो सूटेबल है पेंडिंग ऑर्डर्स ठीक है फिर देन पहले बंदे का नाम सिलेक्ट हो जाएगा अब उसका नाम रेकमेंड होगा दैट्स इंटरेस्टिंग रेकमेंडेशन इज इंटरेस्टिंग ऑडिट कमेटी नाम रेकमेंड करेगा ऑडिट कमेटी विल रेकमेंड नेम टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी नाम रेकमेंड करेगा किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे रेकमेंड करेंगे शेयर होल्डर्स को और वो अपॉइंट कर देंगे एजीएम में सिंपल ऑडिट कमेटी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू शेयर होल्डर्स एंड दे विल डू अपॉइंटमेंट सिंपल सा चेन है लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर नाम पसंद नहीं है इफ दे डिसग्री तो वो वापस नाम भेजेंगे नहीं नहीं ये ऑडिट फॉर्म का नाम हमको पसंद नहीं है ये बंदा पसंद है साथ में रीजन अरे बोले इसने बहुत परेशान किया था एक एक सब्सिडरी में ऑडिटर था बोले ये दो साल पहले बहुत ज्यादा परेशान किया था बहुत रिपोर्ट लेट दी थी बहुत सारा इसका बिल आया था बहुत पंगा हो गया था इसके साथ में बहुत ही मुड़ी आदमी है ऐसा है वैसा है जो भी है वापस भेज दो ऑडिट कमेटी के पास में दो ऑप्शन है पहला कि ठीक है आपने बोला ना आपने बोला हम आपकी बात को समझते हैं मानते हैं हम नया नाम रिकमेंड करेंगे एंड सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू इफ ऑडिट कमेटी ठीक है इफ ऑडिट कमिटी इज ओके विद द रिजेक्शन इफ ऑडिट कमेटी इज ओके विद द रिजेक्शन दे विल रिकमेंड द न्यू नेम एंड द सेम प्रोसेस विल फॉलो इफ ऑडिट कमिटी इज नॉट ओके ठीक है विद बोर्ड ऑफ डायरेक्ट रिजेक्टिंग तो बोलेंगे ठीक है वी आर नॉट ओके विद यू रिजेक्टिंग हमको नहीं लगता कि तुम्हारा रिजेक्शन का रीजन सही है ठीक है हम लोग अब मतलब डेडलॉक हो गया दोनों के बीच में अब क्या होगा देन इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे दे विल डिसाइड अब अगर वो इफ ऑडिट इज ऑडिट कमिटी बोलता है कि हम ठीक है आपका रिजेक्ट हम आपका रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम आपका रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हम आपकी रिक्वेस्ट हम नाम को रिकंसिडर नहीं करेंगे आपने रिजेक्शन किया हम नाम को फिर से रिकन्सिडर नहीं करेंगे तो अब ऐसे केस में क्या होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे कि अगले ऑर्डर कौन होंगे और वो रीजन लिखेंगे वो खुद का रिकमेंडेशन रिकॉर्ड द रीजन लिखेंगे मिनट्स में कि हम इस बंदे को रिकमेंड कर रहे हैं और हमने क्यों ऑडिट कमेटी का जो नाम था उसको क्यों हमने रिजेक्ट किया वो भी लिखा जाएगा ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑडिट कमेटी टू बोर्ड टू बोर्ड टू शेयर होल्डर्स रिजेक्शन हुआ रीजन भेजो अगर ऑडिट कमेटी बात को मान लेती है तो वो नया नाम भेजेगी अगर बात को नहीं मानते हैं तो फिर डेडलॉक है किसकी बात चलेगी बड़ा बोर्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चलेगी और वो अपने हिसाब से नाम रिकमेंड करेंगे साथ में रीजन लिखेंगे ठीक है बच्चों के मन में डाउट आता है सर फिर बोर्ड का ही चलाना था तो ऑडिट कमेटी को लाया ही क्यों ऐसा है ऑडिट कमेटी के पास ऑप्शन था ना नया नाम देने का उसने नया नाम नहीं दिया ऑडिट कमेटी भी अड़ गई अड़ गई तो सॉल्व तो करना पड़ेगा इसलिए बोर्ड की बात चलेगी फिर अगर ऐसा हुआ तो तो बहुत आसान पहला स्टेप था सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन और अगर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है तो मिटी इज नॉट एप्लीकेबल बहुत आसान इफ ऑडिट कमिटी इज नॉट एप्लीकेबल अगर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल नहीं है तो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू शेयर होल्डर्स इतना पंगाइच नहीं रहेगा स्टेप नंबर टू कंसेंट और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कंसेंटेंट सर्टिफिकेट सिंपल कंसेंट लिख के ता है बंदा ठीक है वी अग्री टू बिकम ऑर्डर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर जो भी रहेगा फाइनेंशियल सो एंड सो हम रेडी है और ये देने से पहले एक बार उसने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए कि भाई साहब मुझे ते कोई ते कोई ते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कंसेंटलेटर भेजने से पहले तो स्टेप नंबर वन बंदे का नाम सिलेक्ट हो गया नाम रिकमेंड हो गया बंदे से कंसेंट लेटर ले लो कंसेंट लेने से पहले सी ए फॉर्म एक बार पुराने ऑडिटर से बात कर लेते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई ये एक बहुत सिंपल सा रूल है सी एक्ट में दिया हुआ है जब भी ऑडिट आपको मिलता है तो एक बार आपने पूछ लेना चाहिए पुराने प्रीवियस बंदे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा और ट्रू एंड करेक्ट भैया तो ओपिनियन क्या है खुद के बारे में बात बता रहे खुद के बारे में फैक्ट्स बता रहे उसमें ओपिनियन क्या है एक्यूरेसी के साथ कमेंट करो ट्रू एंड करेक्ट ठीक है क्वालिफाइड हो क्या मैं क्वालिफाइड हूं मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूं मेरे अपॉइंटमेंट बराबर है कंपनीज एक्ट सीए के हिसाब से लिमिट है मेरे पास में जो मैंने आपको ऑर्डर्स के बारे में बताया था जो मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास हो चुके और जो पेंडिंग है वो एकदम सही है ट्रू एंड करेक्ट है तो कंसेंट पहला स्टेप है सिलेक्शन किया नाम रेकमेंड किया सेकंड स्टेप है कंसेंट और सर्टिफिकेट लिया तीसरा स्टेप होता है सर थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप एकदम सिंपल एकदम आसान थर्ड स्टेप इज ठीक है एकदम सा आसान सा अपॉइंटमेंट कर डालिए रेजोल्यूशन पास करिए रेजोल्यूशन पास करिए इन्फॉर्म करिए ऑडिटर को बताइए ठीक है ऑडिटर को यह बात बताइए आप ऑडिटर के बाद आर को बात बताइए दोनों को आप बताएंगे पंद्रह दिनों के अंदर फॉर्म एडिटी वन फर्स्ट ऑडिटर केस में एडिटी वन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है इंटीमेशन करना है फॉर्म एडिटी वन भरने की जरूरत नहीं है तो बहुत सिंपल बहुत आसान प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग इसमें सब करोगे प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट हम लोगों ने अभी कवर किया ठीक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन रोटेशन किसको एप्लीकेबल है आइए बहुत सिंपल सेक्शन वन थर्ट नाइन टू किसको एप्लीकेबल है ठीक है इट इज एप्लीकेबल सिमिलर वैसी ही लिमिट्स है ठीक है एक्स्ट्रा नोट्स में पॉइंट कवर नहीं है लेकिन ये भी मैं आपको कवर करवा दूंगा या फिर एकदम सिंपल सिया है रोटेशन किसको एप्लीकेबल है ठीक है सिंपल सा चार्ट है ये चार्ट में आप वीडियो पॉज करके इसको बनाई लेना परफेक्ट रहेगा किसको एप्लीकेबल है इट इज एप्लीकेबल इट इज एप्लीकेबल टू वहां पे जो इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया वो थोड़ा सा आधा अधूरा था इसलिए मैंने इसको लिया इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लिस्टेड कंपनी सभी लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है पब्लिक कंपनी इसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर 177 से कंपेयर करिए 177 में भी लिस्टेड कंपनी थी यहां पर भी लिस्टेड कंपनी थी ठीक है वहां पे वहां पे था पेड अप कैपिटल टेन करोड़ और मोर यहां पर भी पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर पब्लिक कंपनी 10 करोड़ और मोर ठीक है वहां पे फिर बोरिंग्स का पॉइंट था यहां पे भी बोरोइंग का पॉइंट है एनी कंपनी लेकिन पब्लिक कोई भी कंपनी पब्लिक और प्राइवेट हैविंग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल पब्लिक डिपॉजिट 50 और मोर 50 करोड़ या उससे ज्यादा यहां पे वर्डिंग है 50 क्रोर्स और मोर वहां पे एक्सीडिंग 50 क्रोर्स था 177 सेवेंटी के लिमिट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ठीक है लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है नंबर वन पेडअप कैपिटल दस करोड़ और पब्लिक कंपनी का पेडअप कैपिटल और मोर बोरोइंग्स दोनों का पब्लिक हो या प्राइवेट है ठीक है 50 करोड़ और मोर टर्नओवर का पॉइंट यहां पे माइनस हो गया सर टर्नओवर का पॉइंट माइनस हो गया टर्नओवर का पॉइंट माइनस हो गया प्राइवेट कंपनी को लेके आ गए प्राइवेट कंपनीज का पेड कैपिटल इज 50 करोर्स और मोर पेड कैपिटल इज 50 करोर्स पेड कैपिटल इज 50 करोर्स और मोर इज पॉइंट क्लियर फिर कुछ कंपनी को कभी लगेगा वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी सबसे छोटी वन पर्सन कंपनी उससे बड़ी स्मॉल कंपनी उससे बड़ा डोरमेंट कंपनी इनको कभी नहीं लगेगा तो किसको एप्लीकेबल है किसको नॉट एप्लीकेबल है सिंपल सा है अगर मैं वन सेवेंटी से कंपेयर करूं एक चीज मैंने टर्नर वाला क्लॉज हट जाता है 177 से कंपेयर करो तो टर्न ओवर वाला क्लॉज हट जाता है और प्राइवेट कंपनी वाला क्लॉज आ जाता है और ये 50 करोड़ है पहले इसकी लिमिट 20 करोड़ हुआ कर दी वो बढ़ बढ़ ठीक है बड़ा बड़ा कर 20 करोड़ से और बड़ा करके अब 50 करोड़ पे पहुंच गए 20 से 50 कर दियो नाउ क्वेश्चन ये था यहां पे पब्लिक बोरिंग 72 टू क्रोर्स है पब्लिक बोरिंग है सेवेंटी टू है फिफ्टी क्रोर्स की लिमिट है एक ठीक है एक भी लिमिट तोड़ोगे तो रोटेशन लग जाएगा लिस्टेड कंपनी है रोटेशन लग जाएगा पेड अप कैपिटल की लिमिट पब्लिक की तोड़ोगे लग जाएगा बोरिंग की लिमिट तोड़ोगे लग जाएगा एक भी लिमिट तोड़ोगे लग जाएगा सेवेंटी टू क्रोर्स सेवेंटी टू क्रोर्स का यहां पे बोरोइंग है एक लिमिट तोड़ दी रोटेशन विल गेट एप्लीकेबल रोटेशन लग जाएगा सब रोटेशन विल बी एप्लीकेबल मैनर ऑफ रोटेशन जब रोटेशन लगता है तो क्या होता है एग्जैक्टली मैनर ऑफ रोटेशन प्रोसीजर क्या होती है मैनर ऑफ रोटेशन पूछ रहे वो लोग प्रोसीजर वॉट इज द मैनर ऑफ रोटेशन प्रोसीजर क्या लगती है तो बहुत ही बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर लगती है ठीक है क्या प्रोसीजर लगती है वॉट इज द प्रोसीजर क्या प्रोसीजर लगेगी साहब सब सबसे पहले तो रोटेशन अगर लगेगा मतलब पुराने बंदे को रिप्लेस करके नया बंदा लाना है तो ये रिकमेंडेशन कौन देगा हु इज गोइंग टू गिव रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी ऑडिट कमिटी इज गोइंग टू गिव रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी साहब ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे भेजेंगे शेयर और अपॉइंटमेंट हो जाएगा अगर ऑडिट कमेटी नहीं है ठीक है तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे शेयर होल्डर स्कोर वो अपॉइंटमेंट कर देंगे डन ठीक है सिंपल सी बात दी हुई है मैनर ऑफ रोटेशन सिंपल सा उसमें और फिर और फिर कुछ सिंपल सिंपल सी बात दी हुई है जब हमको रोटेशन लगाना है तो ये साल ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आने के पहले जितने साल वो सर्व कर चुका था कंपनी को उसकी भी काउंटिंग होगी रोटेशन की लिमिट क्या है इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल के लिए वन टर्म ऑफ फाइव एजीएम और फॉर्म के लिए कितना है फॉर्म के लिए कितना है टू टर्म्स टू टर्म्स ऑफ फाइव टू टर्म्स ऑफ़ फाइव एजीएम दस साल इसके बाद में रोटेशन लग जाता है ये एक्ट आने के पहले जितने भी साल आप ऑडिट कर चुके थे वो पूरा काउंटिंग होगा दैट विल बी काउंटेड ऐसा बोला गया उसकी पूरी काउंटिंग होगी ठीक है साहब कर लेंगे और ये ऑडिट सीए फॉर्म्स का नेटवर्क होता है सीए फॉर्म्स का नेटवर्क होता है जहां पे वो ठीक है नेटवर्क बनाते हैं खुद को बड़ा दिखाने के लिए ब्रांड बनाने के लिए वो लोग नेटवर्क मतलब फॉर्म का नाम लिखेंगे नीचे लिखेंगे अफिलियट्स ऑफ स्पार्क नेटवर्क सिर्फ एक नाम बोल रहा हूं स्पार्क नेटवर्क इंडिया की 50 फर्म एक साथ मिलेगी एक नेटवर्क बनाएगी कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे एक एकमे को हेल्प करेंगे एक साथ सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे एक साथ चीजों करेंगे और सब सारी फर्म्स अपने नीचे लिखती है ठीक है सारी फर्म्स सारी फर्म्स लिख सकती है नीचे ऑल द फर्म्स विल राइट एफिलियट ऑफ स्पार्क नेटवर्क एग्जाम्पल कोई भी एक नेटवर्क बना करके ऐसा लिखा है कि आप एक बार रोटेशन जब लगाते हैं तो जो आउटगोइंग ऑडिटर जिस नेटवर्क का पार्ट है उसी नेटवर्क के किसी फर्म को आप अपॉइंट नहीं कर सकते वो सारे के सारे इन एलिजिबल हो जाएंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट तो उसके पहले की भी काउंट कर रहे रोटेशन लगाने से पहले नेटवर्क में से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हाँ, एक चीज आप ज्वाइंट ऑडिट की मदद ले सकते हो ज्वाइंट ऑडिटर की आप मदद लो अगर आप स्मूथ रोटेशन चाहते हो तो ठीक है कॉम्बिनेशन वन और 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 मोर फर्म जुअलेशन देर ज्वाइंट ऑडिटर करेंगे तो एक एक आ, तो एकदम से ऑडिटर्स चेंज नहीं होंगे सर समझा नहीं मतलब क्या ठीक है इस तरीके से रोटेशन आप फॉलो करो इस तरीके से रोटेशन आपके ऊपर है कि कैसे इसको करना कि एक साथ तीनों लोग एक साथ तीनों लोग रिटायर ना हो ताकि वो लोग रिटायर ना हो ठीक है कैसे बोले बहुत सिंपल है बोले एक काम कर सकते हो क्या आप ठीक है आप तीन फॉर्म्स को आप तीन फॉर्म्स को एक साथ एक काम अगर आप स्मूथ रोटेशन चाहते हो तो आप क्या करिए पहला साल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आपने क्या किया आपने पहले साल में ए को अपॉइंट किया दूसरे साल में ए प्लस बी ज्वाइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किया ए प्लस बी को अपॉइंट किया तीसरे साल में ए प्लस बी प्लस सी को अपॉइंट किया आप क्या करिए कंपनी में ज्वाइंट ऑडिटर्स रखिए पहले साल में ए अब क्या होगा ए रिटायर होगा ठीक है पहले इसमें आपने अपॉइंट किया दस एजीएम में, ए रिटायर हो गया ग्यारहवें एजीएम में बंदा रिटायर हो जाएगा आगे के दस में बोल रहा हूं ग्यारहवें एजीएम में बंदा रिटायर होगा तब बी प्लस ही रहेंगे एकदम से आपकी फॉर्म खाली नहीं होगी उनका कहना है आप जॉइंट टॉयटर्स की मदद लीजिए और इस तरीके से प्लानिंग करिए कि एकदम से चेंज ना हो सबसे पहले ए रिटायर होगा फिर बी रिटायर होगा बारह में फिर सी रिटायर होगा तेरह में ए जब रिटायर हुआ ए जब रिटायर हुआ तो आप एक्स को लेकर आ जाइए बी जब रिटायर हुआ तो वाई को लेके आ जाइए सी को रिटायर हुआ तो जेड को लेके आ जाइए इससे स्मूथ रोटेशन होगा तो जॉइंट ऑडिट की मदद से इनका कहना है जॉइंट ऑडिट के मदद से आप स्मूथ रोटेशन कर सकते हो बहुत सिंपल सिंपल बात है कि मैनर ऑफ रोटेशन कि नया बंदा कौन होगा कैसा होगा ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगा फिर बोर्ड देखेगा शेयर तक जाएगा ऑडिट कमेटी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ सिंपल बातों ख्याल रखो कि जब हम लोग रोटेशन के ईयर काउंट करते तो ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आने के पहले जो साल थे तो सब काउंट किए जाएंगे डन ठीक है उसको काउंट करेंगे ठीक है डन हम लोगों ने मान लिया उसको काउंट किया जाएगा ठीक है फिर एक अच्छी बात एक बुरी बात मतलब एक बुरी बात एक अच्छी बात बुरी बात एक अगर नेटवर्क में किसी भी फर्म को रोटेशन लग गया तो उस नेटवर्क के किसी भी फर्म को हम अपॉइंट नहीं कर सकते एक फर्म को अगर रोटेशन लग जाए तो नेटवर्क के किसी भी फर्म को हम अपॉइंट नहीं कर सकते और फिर बाद में बोला हुआ है ठीक है कि ज्वाइंट ऑडिट की मदद ले सकते सिंपल सिंपल एकदम बातें बोली हुई है सब ओके नाउ कंपनी ऑडिट का नाइनटींथ 19th वन नाइन उन्नीस नंबर का है पेज नंबर एटी टू पीडीएफ का पेज नंबर ठीक एटी एट पीडीएफ का एटी एट फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर बाय एमडी अपॉइंट करता है कमेंट हम सब जानते हैं सेक्शन 139 139 के हिसाब से फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अदर देन ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करते इफ दे डोंट अपॉइंट देन राइट गोज टू हायर अथॉरिटी हु इज हायर अथॉरिटी शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट विद इन नाइंटी डेज एम कहां से बीच में आ गया कंपनीज एक्ट बोर्ड को पावर देता है और बोर्ड के बाद शेयर होल्डर्स को पावर देता है मैनेजिंग डायरेक्टर को दूर दूर तक कहीं पर भी पावर नहीं है ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि वो डेलीगेट कर सकते इस पावर को ना तो उनके पास में पावर टू अपॉइंट है ना उनको ये पावर दिया जा सकता है बोर्ड मतलब सिर्फ बोर्ड तो यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपॉइंट किया तो बिल्कुल ही गलत किया इफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटिंग तो बिल्कुल गलत है क्वेश्चन आपके मे 19 आरटीपी में भी आया हुआ है मे 19 आरटीपी के अंदर आया हुआ है फिर 23 नंबर क्वेश्चन है देखो बहुत सिंपल सिंपल है बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं मेरे साथ मेरे साथ साथ में करते जाइए इंपॉर्टेंट देखो फटाफट -फड़ हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। और ये जितनी भी हमारी ऑडिट की तैयारी है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऐड कर ले ठीक है उतना हमारे लिए काफी है नाउ लेट्स सी बहुत ही बहुत ही सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी देखिए मैंने चार्ट्स थोड़े से इंक्लूड किए हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ठीक है चिंता मत करिए थोड़ी देर में ब्रेक दे रहा हूं मैं आपको आई बी गिविंग यू ब्रेक फर्स्ट ऑल्टर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या होती है गवर्नमेंट कंपनी वी ऑल नो सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है देखिए सिंपल सा चार्ट है जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट होल्ड 51 परसेंट और मोर सब्सिडरी में मोर देन 50 परसेंट की वर्डिंग होती है यहां पे 51 वन परसेंट और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इसमें दोनों भी आते हैं इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है और इक्विटी शेयर कैपिटल आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर 51% और मोर ऑफ पेड़ अप शेयर कैपिटल अगर ऑफ अप शेयर कैपिटल अगर कंपनी में पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में तो वो बन जाती है गवर्नमेंट कंपनी देन दैट बिकम्स फिर वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है देन दैट बिकम्स एज अ गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडी रहेगी वो भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी ही होगी इट विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी इनफैक्ट जितनी भी कंपनीज है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली विच आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट सबको यही लगेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का मिलाकर 51 परसेंट परसेंट और मोर होता है तो उसको डायरेक्ट बोल देते हम लोग लेकिन उनका मिलाकर नहीं हो रहा था फिर हमने एक दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के पास भी शेयर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर होल्डिंग हो रहा था सपोज एक गवर्नमेंट कंपनी है उसके ठीक ग्यारह परसेंट कम है एक एक एक, एक, एक ए ए लिमिटेड कंपनी ग्यारह परसेंट कम पड़ रहे एक बी लिमिटेड ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है उसके पास में बीस परसेंट शेयर है उसके भी जोड़ लो दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के पास में जो शेयर्स है अगर उसको जोड़ के 51 वन परसेंट और मोर तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल दोनों को सेम रूल लगता है क्या रूल लगता है इनकॉर्पोरेशन के बाद देखो फटाके फूट रहे बधाइए इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन सिक्सटी डेज ज्यादा समय दिया है लॉजिक है थर्टी डेज को नॉर्मल मानिए क्यों ज्यादा समय दिया है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी बहुत सारी और सीएनएजी एक हमारा अकेला सीएनएजी एक हमारा अकेला तो विद इन सिक्सटी डेज सीएजी अपॉइंट करेगा अगर उन्होंने नहीं किया तो 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अगर नहीं किया तो फिर शेयर होल्डर्स को 60 डेज यहां पे कम दिन दिए शेयर होल्डर्स को क्यों कम दिए क्योंकि बहुत ही कम शेयर होल्डर्स होते हैं क्योंकि मेजोरिटी होल्डिंग तो किसकी है गवर्नमेंट की थोड़े कम दिन दिए हुए पहले सीएनएजी को सीएनएजी के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में आपके शेयर होल्डर्स को ठीक है इज दिस पॉइंट क्लियर बात समझे आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे गवर्नमेंट कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी में पहला राइट किसको जाता है सीएनएजी को वो नहीं तो बोर्ड वो नहीं तो शेयर होल्डर डायरेक्ट बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया गड़बड़ गवर्नमेंट कंपनी डायरेक्ट बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया बार बार वो डायरेक्ट बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया ठीक है गलत बात बिल्कुल गलत बात अगर गवर्नमेंट आप पूरी बात समझाएंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या बोलता है गलत बात सीधा बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकते पहला राइट right किसके पास जाता है सी एंड एजी पहला राइट सी एंड एजी के पास जाता है पहले सी एंड एजी सी एंड एजी नहीं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो नहीं तो फिर शेयर होल्डर्स के ऊपर आएगा बात समझी आपको इस पॉइंट क्लियर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है बस एक क्वेश्चन और फिर हम लोग छुट्टी देते हैं छुट्टी नहीं ब्रेक देते हैं ब्रेक देते हैं आज हम लोगों को कंपनी ऑडिट खत्म हो जाएगा आसानी से कंपनी ऑडिट 700 सीरीज और कुछ रहेगा तो खत्म कर देंगे सातों सीरीज भी हो गया इट विल बी गुड इनफ कैजुअल वैकेंसी में क्या होता है वॉट हैपन्स इन कैजुअल वैकेंसी प्रॉपर अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी रीजन से अगर कैजुअल वैकेंसी होती है अगर वैकेंसी होती है तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं देखिए बहुत ही सिंपल बहुत आसान सा आपका है कैजुअल वैकेंसी। मैं आपको बार बार बताऊं रेगुलर इसमें तो बहुत सारा एक्सप्रिय क्यू है क्या है लेकिन हमारा शॉर्ट बहुत फास्ट है बैट तो इसमें हम लोग फटाफट कवर करेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो बंदा जल्द से जल्द चाहिए इसलिए गवर्नमेंट कंपनी में तो पहला राइट हमेशा सीएनएजी को जल्द से जल्द चाहिए तीस दिन के अंदर सीएनएजी को नया बंदा अपॉइंट करना पड़ता है तीस दिन के अंदर गवर्नमेंट कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी आती किसी भी रीजन से ठीक है डेथ की वजह से डिस्कालिफिकेशन की वजह से रेजिग्नेशन की वजह से सीओपी कैंसिल की वजह से किसी भी वजह से तो तीस दिन के अंदर सीएजी को करना पड़ेगा फास्ट सीएजी नहीं कर पाएगा तो तीस दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रुक जाते आगे शेयर होल्डर्स तक नहीं जाते शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बहुत टाइम लगता है हमको जल्द से जल्द बंदा चाहिए जल्द से जल्द हमको बंदा चाहिए ठीक है फिर अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है नॉर्मल कंपनी में क्या होगा अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो नॉर्मल कंपनी में क्या होगा नॉर्मल कंपनी में ठीक है तीस दिन मिलेंगे नॉर्मल कंपनी जो है ये नॉर्मल कंपनी में थर्टी डेज मिलेंगे तीस दिन तीस दिन मिलेंगे साहब ठीक है दिस पॉइंट तीस दिन मिलेंगे थर्टी डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे फटाफट लेकिन अगर इफ इट इज रेजिग्नेशन इफ इट इज रेजिग्नेशन तो अभी भी नाम रेकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे नाम रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे लेकिन अपॉइंटमेंट विल बी फाइनल ओनली वेन इट इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स विद इन थ्री मंथस अभी भी नाम रेकमेंड अभी भी नाम रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे लेकिन अपॉइंटमेंट फाइनल होगा अपॉइंटमेंट फाइनल होगा इफ इट इज अप्रूव्ड ठीक है अब क्या होगा नाम रेकमेंड होगा और इट विल बी फाइनल इट विल फाइनल होगा इफ इज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स विद इन थ्री मंथ्स तीन महीने का टाइम दिया साहब लगभग नब्बे दिन सिर्फ रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन मतलब दाल में कुछ काला है ऐसा क्या हुआ कि बंदा छोड़ के चला गया हो सकता है कि मैनेजमेंट ने तंग किया होगा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने तंग किया होगा इसीलिए जो अप्रूवल है ठीक है जो अप्रूवल का राइट है वो अप्रूवल का राइट किसको दिया शेयर होल्डर को दिया हुआ है ये बात समझिए लेक्स्ट एक ब्रेक हम लोग नाइन थर्टी नाइन थर्टी को हम लोग मिलते हैं तब तक हम लोग ब्रेक लेते चलिए ब्रेक ले लिया जाए